اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ये तलबिया की सदाएं इस वक्त मोहतरम शहर मक्के में बुलंद हो रही हैं और इनकी गूंज पूरी दुनिया के कोने कोने में सुनी जा रही हैं। तमाम दुनिया के कोने कोने में रहने वाले मुसलमान और उनकी दिल की धड़कनें इस तलबिया में उन हाजियों के साथ शरीक हैं जो मक्के मौजमा में हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। यकीनन हम में से कई लोग उनको देख के रश्क कर रहे होंगे, कई लोग अफसोस कर रहे होंगे कि काश हम भी उनके साथ होते। लेकिन हमें ये बताइए कि क्या लबैक फ़कत हज के लिए ही कहा जाता है? हज की इबादत तो एक अलामती इबादत है जिसमें बहुत सारे पैगामात हैं मुख्तलिफ़ किस्म की इबादतों को अंजाम देने के। जब हाजी तवाफ़ करता है तो ये अज़्म मुसम्मम करता है कि मैं उम्र भर अल्लाह की ज़ात उसकी रज़ा का तवाफ़ करूँगा, मैं जहाँ कहीं भी हूँगा मेरी नज़र अल्लाह की रज़ा पर होगी। जब एक हाजी सही करता है तो दिल में ख़्याल करता है कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, जन्नत हासिल करने के लिए मैं इसी तरह भाग दौड़ करूँगा, चाहे मुझे कितनी ही कोशिश सहूबत और आजमाइश से गुज़रना पड़े। यही हाजी जब अरफात की धूप में ज़िक्र इलाही करता है, मुज़दलिफ़ा की शब में क़याम करता है तो दिल में आज़्म मुसम्मम करता है कि मैं दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में अपना सब कुछ लुटा दूँगा और उम्र भर ज़िक्र इलाही को जारी रखूँगा अपनी ज़बान पर चाहे दिन हो या रात। यही हाजी जमरात में जब कंकरियां मारता है तो कहता है कि शैतान अब तक तो मेरी तुझसे दुश्मनी ज़बान की हद तक थी, अब हाथ तक बात पहुंच चुकी है, लड़ाई झगड़े का वक्त आ गया है, जंग जिदाल की कैफियत है, अब वाकईतन तू मेरा दुश्मन है और मैं तेरा दुश्मन। जब हाजी कुर्बानी करता है तो अल्लाह से कहता है कि अल्लाह आज मैं जानवर की कुर्बानी कर रहा हूँ, कल तेरे लिए अपनी जान की कुर्बानी करने के लिए तैयार होऊंगा। अगर आपसे कोई पूछे कि ये तो अमली इसबाग हैं, कोई कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है आपके पास, कोई ऐसी दस्तावेज़ है आपके पास कि जिसके बारे में आप कह सकें कि जिसमें इस्लामी तालीमात का मजमुआ हो, खुलासा हो, जिस तरह आपने कहा कि हज की इबादत तालीमात इस्लामी का नचोड़ है, हज के अरकान इस्लामी तालीमात के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए नज़र आते हैं, तो क्या ऐसी तहरीरी तकरीरी बात या सबूत मौजूद है तारीख़ में कि जिसको हम कह सकें कि ये भी एक इस्लामी तालीमात का ख़ुलासा है? तो रहमतुल्लिल आलमीन अहमद मुश्तबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, रसूल खुदा ने हुज्जतुल विदा के मौके पर खुतबा देकर यह साबित कर दिया कि हज की तमाम तालीमात का ख़ुलासा अमली तौर पर देखना हो, इस्लामी तालीमात का ख़ुलासा अमली तौर पर देखना हो तो मनासे के हज को देख लो, तहरीरी और तकरीरी सूरत में किसी डॉक्यूमेंट की सूरत में देखना हो तो मेरा खुतबा हुज्जतुल विदा पढ़ लो।
چنانچہ اسی موضوع کو آج اپنی تقریر کا عنوان بناتے ہوئے حجت الوداع کے پیغامات آپ کے سامنے اس خطبے کے پیغامات رکھے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس آخری خطبے کے پیغامات کو حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے اور پھر نجات پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں یہ بتائیے کہ لبیک فقط حج کے موقع پہ کہا جاتا ہے؟ جی نہیں۔ فقط طواف کے وقت کہا جاتا ہے؟ جی نہیں۔ قیام عرفہ، مزدلفہ، جمعرات کے وقت کہا جاتا ہے فقط؟ جی نہیں۔ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں، فجر کی اذان ہوتی ہے، تو آپ لبیک کہہ کے اٹھ جاتے ہیں، اللہ میں حاضر ہوا تیری نماز کے لیے، میں نے اپنی نیند کو چھوڑ دیا۔ ابھی آپ عرفہ کا روزہ رکھیں گے، افطار کے دسترخوان پہ بیٹھیں گے، لبیک کہتے ہوئے، اللہ آج مجھے کھانا تھا تو انہیں کہا کہ روزہ رکھو، میں نے روزہ رکھ لیا، ماہ رمضان کے تو رکھتا ہوں، مستحب روزوں میں تیری طرف سبقت کی۔ کسی مومن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، آپ لبیک کہہ کے پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی بیمار ہوتا ہے، اس کی تیمارداری کے لیے ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ لبیک کہنا نیکی کی طرف اور اللہ کے حضور حاضری دینا۔ تلبیہ یا لبیک یہی ہے کہ انسان اس جگہ پہنچ جائے، لبیک کہتا ہوا، کہ جہاں اس کی ضرورت ہے، جہاں اس کو کوئی وظیفہ انجام دینا ہے، جہاں کوئی واجب اس کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ کی تمام عمر تلبیہ کی نظر ہو جانی چاہیے، آپ کا ہر وقت کا وظیفہ لبیک ہونا چاہیے۔ جب آپ لبیک کہیں گے تو انشاءاللہ ٹی وی کے آگے موسیقی نہیں سنیں گے، جب آپ لبیک کہیں گے ہر وقت تو غیبت نہیں کریں گے، جب آپ لبیک کہیں گے ہر وقت تو کبھی حرام کام نہیں کریں گے، حرام کمائی سے اپنا پیٹ نہیں بھریں گے۔ چنانچہ خطبہ حجت الوداع ہمارے لیے ایک بہت اہم خطبہ، ویسے بھی آج کل شارٹ کٹس اور فاسٹ ٹریک کا زمانہ ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ ڈگری کی جگہ ڈپلومہ مل جائے، تقریر کی بجائے ٹپس مل جائے۔ تو اگر کسی کے پاس فرصت نہیں ہے تعلیمات اسلامی کو پڑھنے کی، تو خطبہ حجت الوداع پڑھ لے، جس میں تمام احکامات کو خلاصے کے طور پہ رسول اللہ نے ایک نٹ شیل میں بند کر دیا۔ رسول اللہ نے 10 ہجری کو جو حج کیا، وہ اس قرآن کی آیت کے پیش نظر تھا کہ جو رسول اللہ پہ نازل ہوئی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو حج کے لیے پکارو اور اس کے واسطے بلاؤ کہ وہ دور دراز سے پیدل یا سواری پر حاضر ہو جائیں اور اپنے لیے دین و دنیا کے فائدے سمیٹیں۔ لوگوں کو حج کے واسطے پکارو، ان کو بلاؤ کہ دور دراز مقام سے پیدل یا سوار وہ حاضر ہو جائیں تاکہ دین و دنیا کے فائدے اٹھائیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشخبری کہ جو اس حج کے لیے آئے گا، چاہے جیسے ہی وسائل ہوں کوشش کر لے، تھوڑی سی زیادہ پیسے ہوں 12 لاکھ کا پیکیج ہو، کم پیسے ہوں 3 لاکھ کا پیکیج ہو، کوئی بات نہیں، خلوص نیت سے آئے گا تو اللہ تعالیٰ دین بھی دے گا اور دنیا بھی دے گا، اس دنیا کی زندگی میں بھی فائدہ اور آخرت کی زندگی میں بھی فائدہ۔ جب جبرائیل یہ آیت لے کر اترے تو رسول اللہ نے منادی کروا دی مدینہ اور اس کے اطراف کہ رسول اللہ حج پہ جا رہے ہیں، کہ جو استطاعت رکھتا ہو رسول کے ساتھ آ جائے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا جمع غفیر، بے شمار تعداد میں لوگوں کی کثرت رسول اللہ کے آس پاس جمع ہو گئی، جن کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ پہلا حج تھا، پہلی نئی عبادت تھی، تو لوگ
इश्तियाक में रसूलुल्लाह की तरफ पलटे, और वैसे भी अपने पुराने शहर जो कि मक्के से हिजरत करके लोग आए थे उनके लिए और ख़ुशी की बात थी कि दोबारा अपने देश मुल्क जाने को मिलेगा। रसूलुल्लाह ने बड़े अहतमाम के साथ सारे साजो सामान को आरास्ता और पैरास्ता किया, कुर्बानी के 100 ऊँट अपने साथ लिए। मदीने के क़ुर्ब जवार में जो लोग या मुसलमान हिजरत करके जा चुके थे, किसी काम से मौजूद थे, उनको इत्तला करवा दी, मौला अली को भी इत्तला करवाई, उस वक्त यमन में थे, कि तुम जो है डायरेक्ट मक्के पहुंच जाना, हम हज के लिए निकल रहे हैं। तो मौला अली ने रसूलुल्लाह को डायरेक्ट मक्के में ज्वाइन किया। रसूलुल्लाह मस्जिद शजरा में अहराम बांधते हैं और उसके बाद तलबिया कहते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हमद व नइमत लक वल मुल्क ला शरीक लक कहते हुए बैतुल्लाह की तरफ रवाना होते हैं, तवाफ़ करते हैं। उसके बाद अराफात के मैदान की तरफ मशारुल हराम जब पहुँचते हैं तो लोग ये ख्याल करते हैं कि रसूल रुक जाएंगे। क्यों? साकिनान हरम कुरैश के लोग ये ज़ाम किया करते थे कि हम इस शहर के लोग हैं, इस शहर से बाहर नहीं जाएंगे। चुनाचा मशारुल हराम मुज़दलिफ़ा की तरफ जाते हुए वो रुक गए कि अब हमें आगे नहीं जाना, लेकिन रसूलुल्लाह चलते चले गए। लोगों ने हैरत का इज़हार किया। जिब्राइल आयत लेके उतरे और कहा सुम्मा अफीज़ू कि तुम उस तरफ बढ़े चलो, मिन हैसो अफाज़न नास कि जिस तरफ पहले के लोग गए थे, तुम उस जगह से रवाना हो जाओ कि जहाँ से पहले के लोग रवाना हुए थे। फिर रसूलुल्लाह ने अन्नास का लफ्ज़ अफाज़न नास का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है नास, तो रसूलुल्लाह ने बताया यहाँ लोगों से मुराद इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम और वो तमाम अंबिया जो इब्राहीम के बाद आए, उनकी तरफ इशारा है कि अल्लाह बतला रहा है कि हज के मौके पर यहाँ नहीं ठहरना, अरफात के मैदान तक जाना है। तमाम अंबिया तुमसे पहले अरफात के मैदान तक गए तो तुम भी उनकी इत्तेबा करते हुए अरफात के मैदान तक जाओ। रसूलुल्लाह अरफात के मैदान तक गए, चारों न चार बाकी अफराद भी जो अपने आप को कुरैश से कहा करते थे वो भी रसूलुल्लाह के साथ अरफात के मैदान में गए। कहते हैं रसूलुल्लाह ने अरफात के मैदान में 9 ज़िलहज को एक खुतबा दिया जिसकी बुनियाद सूरह फतह ठहरी कि जब जिब्राइल नाज़िल हुए इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ جب اللہ کی نصرت اور فتح یہاں پہنچی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا اور تم اپنی آنکھ سے لوگوں کو جوق در جوق فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھو تو کیا کرو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ बस तुम अल्लाह ताला की तस्बीह करो और इस्तग़फ़ार करो इन्नहु काना तव्वाबा बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है। रसूल अल्लाह समझ गए कि ये आयत बतला रही है कि ये मेरा आखिरी हज है और मैं इस दुनिया से कूच करने वाला हूँ, और अल्लाह कहता है कि तुमने नबूवत का काम अंजाम दे दिया, बस अब अल्लाह की तरफ रुजू करो और तुम्हारे जाने का वक्त करीब आ गया। चुनांचे रसूलुल्लाह ने अरफात के मैदान में एक तारीख़ी खुतबा दिया जिसे खुतबा हुज्जतुल विदा कहा जाता है, जिसमें तमाम तालीमी इस्लामी तालीमात का निचोड़ था। इस हज की अहमियत का अंदाज़ा भी इस बात से लगा। अच्छा, रसूलुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि रसूलुल्लाह ने इससे पहले 20 हज किए थे। हयातुल कुलूब की रिवायत में है कि 20 हज कर चुके थे, लेकिन ये हज इस आयत के तोड़ने के बाद उमूमी तौर पे हज के फ़र्ज़ करने के बाद रसूलुल्लाह ने उस अंदाज़ से किया जिस तरह करना चाहिए लोगों को बतलाने के लिए, वरना इससे पहले रसूलुल्लाह बहैसियत नबी हज करते हुए आए थे, जिस तरह पहले से हज नमाज़ें पढ़ते हुए आए थे इस तरह हज भी। रसूलुल्लाह ने हज का इतना एहतमाम किया कि हज की कुर्बानी के लिए कितने ऊँट लिए? 100 ऊँट लिए। हाजी कितने ऊँट लेते हैं? एक
बस 100 ऊँट लिए और फिर लोगों को कहा कि जो अपना कुर्बानी का जानवर नहीं लाया वो अपने हज को उम्रे से बदल दे। वहाँ पे ऐलान कर चुके थे कि क्या 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 चीज़ें लेके जानी हैं, अगर कोई नहीं लाया तो वह अपना हज उम्रे से बदल दे। ए रसूलल्लाह, आपसे एक सवाल, आप तो हर चीज़ में शेयर किया करते थे, खाना हो, किसी की ज़रूरत हो, सवारी पे बिठा लिया करते थे अपने साथ, दसवान पे बिठा लिया करते थे, बल्कि अपने घर में जो कुछ मौजूद हो निकाल के दे लिया करते थे, ये 100 ऊँट सारे के सारे आपके? एहतमाम का इजहार था कि देखो इतना अहम मौका है तो पूरे एहतमाम के साथ जितना खर्च कर सकते हो इस पर खर्च करो और हज के लिए आओ। तो जिसके पास जानवर नहीं वो अपना हज उम्रे से बदल ले। अली की तरफ पलटे, अली तुम्हारा जानवर कहाँ? अली ने कहा, अली रसूलल्लाह मेरे पास कोई जानवर नहीं। हिजरत मदीना के मौके पर रसूलल्लाह ने सबको एक दूसरे का भाई बना दिया। अली आए, अली मेरा भाई कहाँ? अंदा अखी फि दुनिया वल आखिरा। तुम मेरे भाई हो, घबराने की क्या ज़रूरत? जिस तरह शादी के लिए फातिमा के अलावा कोई कफू नहीं, जिस तरह भाई बनने के लिए मैं हूँ तुम्हारा कफू, कोई तुम्हारा भाई बनने के लायक नहीं। अली ने कहा मेरे पास कोई जानवर नहीं। अली कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ कुर्बानी में हिस्सेदारी करोगे, 36 ऊँट तुम्हारे, 66 ऊँट मेरे। रसूलल्लाह ने इस तरह कुर्बानी को शेयर किया, गोया बतला देना चाह रहे थे देखो हम अहले बैत के साथ हर चीज़ में हिस्सेदारी हो सकती है, कुर्बानी की बात आएगी तो जैसी कुर्बानी मैं दे रहा हूँ वैसी कुर्बानी अली देंगे या अली का बेटा। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। रसूलल्लाह ने सूरह फतह के नाजिल होने के बाद खुतबा दिया, लोगों को मुखातिब किया, तालीमात इस्लामी का खुलासा आपके सामने पेश किया। रसूलल्लाह ने बहुत सारी बातों का तذکرہ किया, यहाँ पे हम 10 बातें 10 नुकात पैगामात की सूरत में आपके सामने पेश करना चाहते हैं। पहला पैगाम हुज्जतुल विदा का, खून की हुर्मत, यानी कत्ल कितना बड़ा गुनाह है, उसके क्या नुकसानात हैं या क्या असरात हैं। दूसरा पैगाम सूद की हुर्मत, सूद का लेन देन कितना बड़ा गुनाह है, क्या उसके असरात हैं, क्या वजह इल्लत इसके हराम होने की। तीसरा पैगाम इस्लामी महीनों की अहमियत और हुर्मत। चौथा पैगाम शैतान की मायूसी, यानी शैतान किससे मायूस हो गया है, क्यों कर मायूस हो गया है। पांचवा पैगाम अमानतदारी की अहमियत। छठा पैगाम मर्दों के हुकूक औरतों पर। सातवां पैगाम औरतों के हुकूक मर्दों पर। आठवां पैगाम कुरान व इत्रत, जिसको रसूलल्लाह ने सकलैन कहा कि मैं छोड़े जा रहा हूँ, कुरान उतरत की अहमियत। नवा पैगाम एहतराम मोमिन और 10वां आखिरी पैगाम नुक्ता और हमारी गुफ्तगू का आखिरी मरहला अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर की अहमियत। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मराहिल पर गुफ्तगू करने, सुनने, उस पर अमल करने की तौफीक अदा फरमा। आइए हम पहले मरहले की तरफ चलते हैं, खून की हुर्मत। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। रसूलल्लाह ने फरमाया ज़माने जाहिलियत में जितने भी कत्ल हुए उनका कसास बातिल है, यानी अब उनका कसास नहीं लिया जाएगा। और सबसे पहले मैं अपने ख़ानदान के कत्ल, यानी हारिस बिन रबिया के कत्ल का कसास माफ़ करता हूँ। देखिए
فضل کے حوالے سے یہ جان لیجئے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو فرشتوں نے جو سب سے بڑا سب سے پہلا الزام عائد کیا انسانوں پر یہ کہ یہ زمین میں جا کر فساد فی الارض پیدا کریں گے, قتل و غارت کریں گے. اور ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام دنیا میں آئے نہیں, ان کے بیٹے نے دنیا ارض کا پہلا قتل کر ڈالا, قابل نے حابیل کو قتل کر ڈالا. اس کے بعد کی ہسٹری بی سی سے پر ہے. رسول اللہ کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں اس میں بھی قتل و غارت, مولا علی کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں اس میں بھی کشت و خون, اس کے بعد آئمہ کا زمانہ, اور اس کے بعد اب تک انسان قتل و غارت میں مصروف ہے. کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. مسدس حالی پڑھی ہوگی آپ نے, پڑھا ہوگا. تو عربوں کی سرشست میں ان کے خون میں خون کرنا شامل. آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے عربی گرامر پڑھی ہو, صرف پڑھی ہو, تو صرف میں جو پہلی گردان پہلا سبق سنایا پڑھایا جاتا ہے سنا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ضرب ضرب ضربو ضرب ضرب ضربنا ضربتا ضرب تما ضرب تم ضرب دے ضرب تما ضرب تمنا ضرب دو ضربنا. یہ 14 سیکھے پڑھائے جاتے ہیں آپ کو گرامر کے نا. اس نے مارا, اسے ایک مرد نے مارا, ان دو مردوں نے مارا, ان دو مردوں نے مارا, اسے ایک عورت نے مارا, اس کو مارا, یہ تذکرہ نہیں کرتے. ان دو عورتوں نے مارا, ان سب عورتوں نے مارا. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضرب کی گردان کیوں, کسی اور چیز کی گردان ہو جاتی گرامر میں, کوئی اور رول دے دیتے, اس نے کھایا ان سب نے کھایا, وہ گیا وہ سب گئے, اس نے پڑھا ان سب نے پڑھا. اس طرح کی کوئی اگزامپل جس طرح ہم انگلش کے سینٹنسز بناتے ہیں, کہیں گے بھائی کیا کریں, عربوں کی سرشست میں شامل ہے لڑنا جھگڑنا. تو یہ انسان کی فطرت میں بھی ہے اور عربوں کی سرشست میں بھی. یہ الگ بات ہے کہ یہ جو شجاعت اور بہادری کا جذبہ ہے اگر صحیح سمت میں موڑ دیا جائے جہاد کی صورت میں تو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے گا. اچھا کیا یہ لڑنا جا؟ اچھا امام کے ظہور کی علامتوں سے بھی ایک میں ایک علامت ہے کہ کوفے میں شدید قتل و غارت ہوگا. اب دیکھ لیجیے یہ داعش آئسس یہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ عراق میں ہی اپنا گڑھ بنائے ہوئے ہیں. آئے دن قاسمین بغداد میں بم دھماکوں کی خبر آتی رہتی ہے, سامرہ میں قبضے کی اور پھر چھڑانے کی خبریں آتی رہتی ہیں. اچھا کیا یہ قتل و غارت صرف مسلمانوں سے منسوب ہے؟ یہ غلط فہمی ہے. فرسٹ ورلڈ وار کیا مسلمانوں نے کی تھی یا مسلمانوں کے خلاف ہوئی تھی؟ سیکنڈ ورلڈ وار کیا مسلمانوں نے کی تھی, مسلمانوں کے خلاف ہوئی تھی؟ ہولوکاسٹ کیا مسلمانوں کے خلاف ہوا تھا یا مسلمانوں نے کیا تھا؟ کروڑوں کی تعداد میں لوگ قتل ہوئے تھے فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, ہولوکاسٹ یا جتنے بھی. تو جو ایکسٹریمسٹ مسلمانوں کو گردانا جاتا ہے کہ وہ قتل و غارت, ٹھیک ہے وہ بھی غلط ہے, ہم تو فقط ایک ایگزامپل دے رہے ہیں. اگر ایک چور ہے تو ایک اس سے بڑا بھی چور ہے, چور کہنے والا خود بہت بڑا چور ہے. تو پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانکیے, آپ نے افغانستان میں کیا کیا, آپ نے عراق میں کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں. ٹونی بلیئر ابھی کچھ عرصے پہلے اعتراف کر کے روتے ہوئے اترے روسٹرم سے کہ ہاں میں نے جو فوج بھیجی تھی عراق میں وہ غلط تھی. امریکہ میں باراک اوباما کی گورنمنٹ میں جتنی شوٹنگ کے واقعات ہوئے ہیں کلنگ کے, اتنے کسی پریزیڈنٹ کے دور میں نہیں ہوئے. آپ لوگوں کو امن سکھا رہے ہیں, امن کا درس دے رہے ہیں. امریکہ میں کتنی گنے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا کریں, امریکہ جو ہے وہ اسلحہ بنا رہا ہے, یورپ اسلحہ بنا رہا ہے, کہیں تو کنزیوم ہوگا. تو یہ ضروری ہے کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں جنگ جاری رہے, چاہے وہ یمن ہو, چاہے وہ لبنان ہو, چاہے وہ عراق ہو, چاہے وہ سیریا ہو, چاہے وہ افغانستان ہو. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ذرا گنوں کو بھی تو استعمال کریں. امریکہ میں کتنی گنیں آپ کو معلوم ہے؟ امریکہ کی آبادی کتنی ہے؟ 30 کروڑ. امریکہ میں گنیں 30 کروڑ ہیں. ہر آدمی کے پاس ایک گن, ہر آدمی کے پاس ایک گن. بچوں کو, عورتوں کو, ضعیفوں کو نکال دیجئے, جس کا مطلب ہر آدمی کے پاس دو گنیں. یہ گنیں بھی تو استعمال ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ اور کہاں استعمال ہوں گی؟ گن کی بلٹ جو ہے وہ دریا بار یا سرحد بار تھوڑی جاتی ہے, وہ تو آپس میں ہی استعمال ہوتی ہے. تو وہاں جو شوٹنگ کے واقعات ہو رہے ہیں تو اب آپ خمیازہ, مکافات عمل ہے یہ, آپ نے لوگوں کو مروایا, اب آپ خود خمیازہ بھگے دیے. اچھا وہاں پہ جو گن ملتی ہے وہ موبائل کی طرح ملتی ہے, آپ نے پیسے دیے گن لے لی, کوئی لائسنس نہیں. خیر پاکستان میں بھی لائسنس کی ضرورت تو نہیں ہوتی ہے, لیکن بلے ایک آفیشیل چیز ہے کہ لائسنس ہونا چاہیے, لیکن وہاں پہ کوئی لائسنس نہیں ہوتا. اب باقاعدہ آئے دن یہ خبریں آتی ہیں, ورلڈ کپ یا اولمپک یا بیس بال, باسکٹ بال,
कि जो टूर्नामेंट्स होते हैं, गेम्स होते हैं, उसमें नेशनल एंथम बजाया जाता है अमेरिका का। अक्सर खिलाड़ियों को कैमरा फोकस करता है कि देखें ये खिलाड़ी बैठा हुआ है, देखें ये खिलाड़ी बैठा हुआ है, ये भी बैठा हुआ है, और बाकी सब खड़े हुए एंथम सुन रहे हैं और हाथ यहाँ पे रखे हुए हैं एहतराम के साथ, उनके सर झुके हुए हैं। हर गेम में अब ये होने लगा है कि दो चार ब्लैक्स खड़े नहीं होते अपने कौमी तराने के वक्त। लोगों ने कहा क्यों? कहेंगे जब तक अमेरिका से तासुब का खात्मा नहीं हो जाता। तासुब कैसा? कि काले को फौरन ऑन द स्पॉट शूट कर दिया जाए और गोरे को तहकीकात के बाद बरी जिम्मा करार दे दिया जाए। आप पूरी दुनिया में दर्श दे रहे हैं अमन का और रेसिज्म से आ रही दुनिया का, आपकी जगह आपके खिते में रेसिज्म मौजूद है, तासुब परस्ती मौजूद है। तो कुछ तो खून पहले भी था, अभी भी जारी है, लेकिन अगर आप इस्लाम से पूछें, कुरान से पूछें, तो कुरान ने ये फैसला दे दिया कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने तमाम इंसानियत की जान बचाई। इस्लाम बिल्कुल कतई तौर पे पसंद नहीं करता कि किसी मुसलमान को मारा जाए, कत्ल किया जाए, बल्कि ज़ख्मी भी किया जाए। लेकिन एक बात हम चलते चलते कहेंगे, औरतें अमूमन अपना दामन झाड़ लेती हैं, साफ़ कर लेती हैं, भाई कुछ तो खून से या कत्ल वगैरह से हमारा क्या ताल्लुक है, तो मर्दों के करतूत हैं। लेकिन याद रखिए कि कत्ल वगैरह लड़ाई झगड़े से शुरू होती है, और सास बहू को काउंट करें तो सबसे ज़्यादा इस कत्ल वगैरह में हिस्सा खवातीन का निकलेगा। एक दुरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद में। सूद की हुरमत, हमारी गुफ्तगू का दूसरा मरहला। रसूल ने फरमाया कि मैं जमाने जाहिलियत में लिए गए तमाम सूद को बातिल करार देता हूँ, और सबसे पहले अपने चाचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद बातिल करार देता हूँ जो लोगों पर है। यानी जो जिन लोगों को सूद वापस करना था अब वो वापस नहीं करेंगे, वो रखें अब सब नल एंड वॉइड। सूद के बारे में जो अहादीस आई हैं, उसकी मजम्मत के बारे में, क़यामत में उसकी सज़ा के बारे में, आजकल के हवाले से सूद जो आम हो रहा है, वजह हुरमत सूद, तो आप पढ़ें तो आप हैरान रह जाएं कि सूद का डांडा या ताने बाने कहाँ जाके मिलते हैं। फ़कत इसकी मजम्मत में जो हदीस मौजूद है वो इंसान को कप कपाने पर मजबूर कर देती है। हमारे यहाँ जो आजकल लोग सूदी लेन देन कारोबार में मुलव्वस हैं, बैंक की जो नौकरी कर रहे हैं और जिस तरह उसको हलाल किया हुआ है, उन लोगों के लिए चंद हदीस। सूद की मजम्मत के बारे में रिवायत में आया है कि सूद के 70 अज्जा में से कम तरीन जुज़ ये है कि इंसान बैतुल्ला में अपनी माँ के साथ निकाह करे। अल्लाहु अकबर। सूद के 70 अज्जा में से कम तरीन जुज़ ये हैं कि इंसान बैतुल्ला में अपनी माँ के साथ निकाह करे। इतनी ज़्यादा हुरमत। बरतरीन जुज़ क्या होगा, बरतरीन मजम्मत क्या होगी, खुद आप देख लीजिए। क़यामत में इन सूद खोरों का क्या अंजाम होगा? रसूल फरमाते हैं मेराज पे गया तो मैंने देखा कुछ लोगों के पेट मटकों की तरह बड़े हुए थे, फूले हुए थे, और सांप उसमें से लटक रहे थे। रसूल ने पूछा ये कौन लोग हैं? कह लेंगे ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाया करते थे। इसी तरह या सूद के लेन देन में मुलव्वस थे ये। इसी तरह कुछ लोगों के बारे में, उन लोगों के बारे में कहा जाता है जो सूद खाते और लेन देन में मुलव्वस होते हैं कि ये लोग क़यामत में महबूतुल हवास के, जिनको शैतान चिमट गया हो, महबूतुल हवास उठाए जाएंगे। हम नहीं कहते भाई इसको जिन चढ़ गया है, इसको भूत चढ़ गया है। तो शैतान जिस तरह किसी को छू ले और चढ़ जाए और वो पागल हो जाए, इस तरह इंसान उठाया जाएगा क़यामत में जो लोग सूद के कारोबार में मुलव्वस होंगे। आजकल आप देख लीजिए सूद का जो उमूम होना है, आम होना है, उस हवाले से हमें हदीस मिलती है कि एक ज़माना आएगा लोगों पर कि हर शख्स सूद खाएगा और जो नहीं खाएगा उस तक कम अज़ कम उसकी धूल तो ज़रूर पहुँचेगी। हमारी सारी ट्रांसैक्शन, डिपॉजिट्स, कारोबारी लेन देन बैंक के ज़रिए होता है। मजबूर है जो लोग सूद नहीं खाते, नहीं लेना चाहते, नफरत करते हैं, वो भी बैंक से ही अपना ट्रांसैक्शन करते हैं। मुमकिन नहीं है कि प्राइवेट तौर पे ट्रांसैक्शन हो। तो देखा आपने कितनी ज़्यादा मजम्मत है। अच्छा, इमाम से पूछा गया कि आखिर सूद को हराम क्यों किया गया है?
हकीकत है कि हर दुनिया में हर गुनाह के अंदर एक इल्लत है, नहीं समझ में आ रही वो एक अलग बात है, लेकिन इल्लत ज़रूर है और उसमें हमारा ही फ़ायदा है। इमाम से पूछा कि सूद को क्यों हराम किया गया, तो इमाम ने कहा कि सूद को इसलिए हराम किया गया कि सूद इंसान को कारोबार और नेकियों से रोकता है, यानी इंसान कारोबार नहीं करता, नेकियों से रुक जाता है और नेकियों को रोकता भी है। कारोबार के हवाले से मैं आपको मिसाल दूं, अगर आप किसी के पास पैसे रखवाएंगे 1 करोड़, उसने कहा कि भाई ठीक है मैं आपको 2% दूंगा, उसने 2% देना शुरू किया 2 लाख रुपए, आपने कहा मुझे जरूरत ही नहीं कुछ काम करने की, आप अपनी जगह रुक गए, घर में बैठ गए, और वो जो शख्स है अब वो परेशान है कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह कारोबार में लगाऊं, कारोबार में लगाऊंगा डूब गया तो क्या होगा, वो खुद किसी के पास रखवा देता, वो उसको सूद देता, वो उसको सूद दे रहा होता। तो इंसान पैसा कमाता इसलिए है कि किसी जगह रखवा दे और फिर सुकून से बैठ जाए, बजाय इसके कि उसको रोल करे। फिक्र में आप पढ़ते हैं ना कि बहता हुआ पानी पाक है और रुका हुआ पानी नजिस हो सकता है, और ना भी हो नजिस आप देखेंगे कुछ अरसे बाद उसमें मक्खी मच्छर आ जाते हैं, डेंगू फीवर वगैरह जो फैल रहा है हमारे यहाँ, तो ये स्टैग्नेंट वाटर खड़े हुए पानी की वजह से फैलता है। तो सूद इंसानों कारोबार से रोकता है। अमेरिका सबसे बड़ा गढ़ सूद का, यहूदी कंपनीज वहाँ मौजूद। दुनिया का सबसे मकरूज तरीन मुल्क है अमेरिका, 11 ट्रिलियन के कर्जे हैं, 11 ट्रिलियन के कर्जे, बिलियन में 9 ज़ीरो होते और ट्रिलियन में 12 ज़ीरो होते, सबसे ज़्यादा मकरूज मुल्क है। सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाला दुनिया में, यानी खुशहाल बिजनेस क्या जिसे कहते हैं कि बहुत इन्वेस्टमेंट मौजूद है, लेकिन बिजनेस नहीं सिर्फ इन्वेस्टमेंट है इसलिए मकरूज है। दूसरा ईरान को ले लीजिए, 20 साल से पाबंदी थी ईरान पर, एक पैसे का एक डॉलर का मकरूज नहीं है। हम लाखों डॉलर हर साल लेते हैं अमेरिका से फिर भी मकरूज। अब पाबंदी उठी है तो कहते हैं कि ईरानियन स्प्रिंग का दौर आने वाला है। अरब स्प्रिंग चला गया, अरब की बाहर चली गई, अब ईरान की बाहर आने वाली है, माशी तौर पे मजबूत तरीन मुल्क बनने वाला है। क्यों? सूद का लेन देन नहीं। सऊदी अरब की तरफ आइए, सऊदी अरब के बारे में कहा जाता है कि 5 साल के अंदर अगर तेल की कीमत इतनी ही रही तो 5 साल में उसकी मईशत बैठ जाएगी। चलिए ठीक है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं वहाँ सूदी लेन देन नहीं, लेकिन आपको मालूम है सऊदीया की ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट अमरीका में है जहाँ पर सूदी लेन देन होता है। अभी 9/11 के हवाले से जो खबर आई थी कि जिन लोगों के रिश्तेदार मरे हैं वो लवाहिकीन अपनी मरहूमीन के लिए, यानी किसास या ब्लड मनी जिसे कहते हैं, वो सऊदी गवर्नमेंट से ले सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर मुलविस रहे। जो ये बात पहुंची सऊदी गवर्नमेंट तक, उन्होंने साफ कहा कि अगर तुम लोगों ने ऐसा किया, ये बिल पास हो चुका था, लोगों कहा कि ठीक है आप जाएं लें, सऊदी ने कहा अगर किसी ने लेने की कोशिश की तो हम तमाम इन्वेस्टमेंट अमेरिका से निकाल लेंगे। कितनी इन्वेस्टमेंट होगी कि जिसकी वजह से अमेरिका में तमाम ख़ानदानों को मना कर दिया गया कि ठीक है आप ब्लड मनी ना लें। एक ख़ानदान ने ब्लड मनी ले ली, कितनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगी सऊदी अरब की। क्यों ताल्लुकात अच्छे? इसी वजह से कि इन्वेस्टमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर। रसूलल्लाह ने किसी ने रसूलल्लाह से पूछा कि मैं आखिरत से मोहब्बत कैसे करूं, तो रसूल ने कहा कि अपना पैसा वहाँ भेज दे, इंसान जहाँ पैसा भेजता है वहीं जाता है। दुबई में बैठे हैं, आपने कराची में प्लॉट ले लिया, खुद ब खुद कराची से मोहब्बत हो जाएगी। दुबई तो अच्छा है लेकिन कराची कराची है, होते हैं मोहब्बत। तो आप सऊदीया में बैठे हुए हैं और अमरीका में इन्वेस्टमेंट है तो आप अमरीका के चक्कर क्यों नहीं लगाएंगे? क्या आपके हाथ उठेंगे मर्द वर्ग अमरीका कहते हुए? कभी नहीं उठेंगे आपके हाथ, आप नहीं जाएंगे वो मुल्क जो इतना हुए तबाह हो। इमाम ने क्या कहा था इब्राहिम जमाल को कि तुमने ऊँट देते हो हारून को? कहेंगे हाँ। कहना फिर तुम कैसे चाहोगे कि वो तबाह बर्बाद हो? तुम तो चाहोगे कि वो सही सलामत सफ़र में जाए, सही सलामत सफ़र में वापस आ जाए और दूधो नहाए पूतो फले जैसे हम कहते हैं, नज़र ना लगे वगैरह वगैरह, लंबी हयात नहीं पाओ ताकि मेरा कारोबार चले। तो क्या ये दुआएं
बआवाज़ बुलंद नहीं, दिल में तो हरम में होती होंगी, ये अल्लाह अमेरिका को कायम दाम रहे, दायम रख, क्योंकि हमारा यहाँ पैसा लगा हुआ है, अगर तबाह हो गया तो हम भी तबाह हो जाएंगे। अमेरिकन डॉलर और रियाल दोनों नत्थी हैं कि अगर डॉलर बढ़ेगा तो रियाल भी बढ़ेगा, डॉलर कम होगा तो रियाल भी कम होगा। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, तो जो तुम करोगे वो हम करेंगे। तो आपने देखा कि मईशत को तबाह करता है, इंसान को गरीब बना देता है। जिन मुल्कों ने सूद को अपनाया वो अब नीचे जा चुके हैं, और जिन लोगों ने सूद को नहीं अपनाया, अपने पैरों पे खड़े होने का आज़म किया, कारोबार को तरजीह दी सूद पर, वो ऊपर जा रहे हैं। पाबंदियों के बावजूद वो कायम दायम है, कोई कर्जा नहीं हो, कोई टेंशन नहीं। इमाम ने दूसरी बात क्या की कि ये नेकियों से रुकवाता है। सूद लेने वाले ममालिक शहरों और उन जगहों का दौरा कीजिए, खबरें पढ़ ली, दौरा करने की क्या ज़रूरत, आपको मालूम हो जाएगा कि वहाँ पे नेकियों से कैसे रोका जा रहा है। ताज़ा तरीन मिसाल फ्रांस की, हिजाब पे पाबंदी, बरकनी एक ऐसे लिबास है जो ख़वातीन पर्दा करती हैं, वो स्विमिंग करते हुए बीचेस पे वो लिबास पहन सकती हैं, यानी उसका फ़ायदा ये है कि आप स्विमिंग भी कर सकती हैं और आपका हिजाब भी बरकरार रहेगा, सिर्फ चेहरा और हाथ खुला रहता है, बरकनी उसको कहते हैं। फ्रांस में बीचेस पे पाबंदी लगा दी गई कि अगर किसी खातून को बरकनी पहने हुए देखा गया यानी हिजाब में, तो गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस चक्कर लगा रही होती है, जहाँ किसी खावतीन को बोला गेट अप, गेट लॉस्ट और रिमूव योर बरकनी। ये हो रहा है फ्रांस में, क्या हो रहा है, नेकी को रोका जा रहा है। यूरोप में क्या हो रहा है, बच्चे को कहा जा रहा है कि तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, तुम्हें किसी को सुनने की, फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर माँ बाप ज़बरदस्ती करें 911 पे फ़ोन कर दो, पुलिस आ जाएगी और बच्चे को ले जाएगी। खैर ऐसा वाक़ा तो हमारे यहाँ भी हो चुका है अभी, जो बच्चों के अगवा होने की जो रूमर्स फैली थी, एक बच्चा रोता हुआ जा रहा था बाप के साथ, उसको स्कूल लेके जा रहा था, वो जा नहीं रहा था, रोता हुआ जा रहा था गुस्से में, तो किसी ने शक कर लिया कि बच्चे को अगवा करने के लिए आ रहा है, तो किसी ने बच्चे से पूछा ये तुम्हारे बाबा हैं, उसने कहा नहीं ये मेरे बाबा नहीं है, उसने ये कह दिया नहीं मेरे बाबा नहीं है, ओ पकड़ के ले गई पुलिस। तो आप देखिए बच्चे की मासूमियत भी इंसान को बाज़ात फंसा देती है। तो 911 में फ़ोन कर देते हैं कि दे आर नॉट माई पेरेंट्स, और वो पुलिस जो है बेचारी पकड़ के ले जाती है कि आप इसके पास नहीं रह सकते, इसके साथ नहीं रह सकते, इसको देख नहीं सकते। नौजवानों को शादी से दूर किया जा रहा है, खैर हमारे यहाँ भी यही हाल है, कैरियर के नाम पर शादी को डिले किया जा रहा है, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है ड्रामों के ज़रिए, फिल्मों के ज़रिए। बूढ़ों को मजबूर किया जा रहा है कि आप तरबियतें औलाद ना करें, ओल्ड होम्स में भेजा जा रहा है। अब पाकिस्तान में भी इसके जो है अमली मजाहरे शुरू हो गए। अशेख उसरते ही कानन नबी उम्मत ही, शेख घर में ऐसा जैसे नबी अपनी उम्मत। ये अमेरिका यूरोप का हाल, चलिए इंडिया चलते हैं। अमेरिका हमारा मर्ज आलम और इंडिया हमारा फल आलम। इंडिया की अदाकार ने अभी पिछले दिनों, अच्छा ये खबर या खबरें हम आपको दर्स या लेक्चर को चटपटा बनाने के लिए नहीं सुनाते, इसलिए सुनाते हैं कि अवामुन्नास इसमें इन्वॉल्व है, आप तो नहीं इन्वॉल्व हैं इंशाल्लाह, लेकिन अवामुन्नास तो इन्वॉल्व है। एक अदाकार ने ट्वीट किया, यानी लेटर लिखा बाकायदा अपनी पोती नवासी को, क्या लिखा, 8 साल की पोती और 7 साल की नवासी, क्या लिखा कि बेटा देखो अब तुम बड़ी हो रही हो, अपने फैसले खुद करना सीखो, दूसरों की बात पे ध्यान ना दो, जो तुम्हारा जी चाह रहा है वो करो, जो तुम्हारा जी चाह रहा है पहनने का वो पहनो, और बिल्कुल भी शर्म ना महसूस करो किसी लिबास के पहनने में, मसलन स्कर्ट, डू नॉट लेट एनीबडी मेजर योर कैरेक्टर बाय द लेंथ ऑफ योर स्कर्ट, किसी को अपने किरदार की लंबाई अपने स्कर्ट की लंबाई से नापने ना दो, मतलब अगर छोटा स्कर्ट भी पहनो नो प्रॉब्लम, यू विल बी अ डिग्निफाइड पर्सन, यू विल बी अ रिस्पेक्टेड लेडी, और बड़ा स्कर्ट पहनो या हिजाब कर लो मुकम्मल, तो इट डजेंट मीन कि तुम एक अच्छी लड़की हो। क्या सबक पढ़ा रहे हैं आप, कैसे मुमकिन है एक अकल रखने वाला कह सकता है एक बेहिजाब औरत को, उरिया नीम उरिया औरत को, कि ये अच्छे किरदार की मालिक होगी, कोई नहीं कह सकता। इसी तरह एक हिजाब करने वाली लड़की को कोई कह सकता है कि ये गलत किरदार की हामिल होगी, कोई नहीं कह सकता। अकल कहती है
कि औरत फितरतन बाहया वाकई हुई, जितनी हयादार होगी उतना ही हिजाब अच्छा होगा, जितना हिजाब अच्छा होगा उतना उसका किरदार अच्छा होगा। ये समझ में नहीं आती कि अदाकारों को आजकल क्या पड़ी है इस्लामी और इखलाकी दरूस देने की। तो भैया फिल्में छोड़ दें, हम चले जाते हैं एक्टिंग करने, आप यहाँ आगे दर्द देना शुरू कर दें। एक अदाकार ने कमेंट दिया, ये जो बकराईद पे, ये मुसलमान अदाकार, अभी तो मैंने हिंदू की बात की थी, अब मैं मुसलमान अदाकार की बात कर रहा हूँ। मुसलमान अदाकार कहता है कि बकराईद पे कुर्बानी करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक फजूल रस्म है, कुर्बानी करना है तो अपनी किसी चीज़ को गरीब को दे दो, कुर्बानी करने से क्या होता है। डू हेल विद यू, तुम कौन होते हो हमें इस्लाम पढ़ाने वाले। कभी हमारे किसी मर्जी ने, मुज्तहिद ने, आलिम ने कहा फ़लाँ फिल्म अच्छी नहीं लगी हमने देखी, फ़लाँ गाना हटा देना चाहिए, फ़लाँ सीन ठीक नहीं था, कभी कहा? म्यूज़िक में ये रिदम नहीं था, ये बोल अच्छे नहीं थे, नाउज़ बिल्ला, कभी कहा? नहीं कहा। क्यों? दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, ये आपका बिजनेस है ही नहीं। तो ये आपका बिजनेस कब से हो गया कि आप हमें इस्लाम सिखा रहे हैं, आप हमें अखलाकियात सिखा रहे हैं? आप लोगों ने तो अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाई हैं, उड़ा रहे हैं। अच्छा ये मैं बता दूँ आपको, आप इस पर हंसें या इसको ना माने, ये बाकायदा एक साजिश है जो एक आलमी पैमाने पर की जा रही है। कौन सी साजिश? अदाकारों के ज़रिए और फिल्मों के ज़रिए लोगों का ब्रेन वॉश करना। फिल्मों को पॉलिटिकली यूज़ किया जाता है, पाकिस्तान खिलाफ फिल्में बनाई जाती हैं, इस्लाम मुखालफत में फिल्में बनाई जाती हैं। अब अदाकारों को वैसे ही ट्विटर आ गया है, फेसबुक आ गई है, इंस्टाग्राम आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है, अब इससे अदाकार अपने फॉलोअर्स फ्रेंड्स पैदा करते हैं, फ्रेंड सर्कल जो हमने कहा था ना। आपको मालूम है जिस अदाकार ने अपनी पोती नवासी को कहा है कि डू नॉट लेट एनीबॉडी मेजर योर कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ योर लेंथ ऑफ योर स्कर्ट, उस अदाकार की फेसबुक पे कितने फॉलोअर्स हैं? 1,40,00,000। 1,40,00,000 तो कम से कम उसकी बात पे अमल करेंगे और स्कर्ट पहन के निकलेंगे, मर्द नहीं कह रहा हूँ, औरतें कम से कम, ठीक है ना, होगा कि नहीं होगा? और इसमें पाकिस्तान के लोग भी शामिल होंगे जो देख रहे हैं उस अदाकार को। तो जब आप एक अदाकार की तकलीद करते हैं, जब आप बाल उस तरह बना रहे हैं, लिबास उस तरह पहन रहे हैं, तो बस उसकी फ़िलासफ़ी पे भी अमल करेंगे। अब बेहयाई को आप राइज देंगे, तो आप लोगों को समझाइए कि भाई तुम लोग क्या देख रहे हो। अब ड्रामे और फिल्में, वो ज़माना नहीं रहा हमारे ज़माने में जो फ़कत तफरी के लिए देखे जाते थे। ड्रामों फिल्मों में आइडियोलॉजी फ्लोट की जाती है, प्रोमोट की जाती है। अब अदाकार जो हैं वो इस्लामी अरकान और उस पर, एक आलिम दीन को बुलाया जाता है, एक अदाकार को बुलाया जाता है और उनसे जो डिबेट करवाई जाती है, एक आलिम दीन को और एक डांसर को कराची पाकिस्तान में एक टॉक शो में बुलाया गया। एक आलिम दीन बैठे हुए थे, वो डांसर रक्कासा कराची आर्ट्स काउंसिल की, अब वो बोलना शुरू हुई। उस आलिम दीन से पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे ये बताइए कि अगर आप मुझसे पूछें कि डांस की कितनी अकसाम हैं और कौन सी अकसाम सही नहीं है, अच्छी है, बुरी है, तो आप यकीन कर लेंगे? कहेंगे नहीं। कहेंगे बस ठीक है, आपने इनको क्यों बुलाया इस्लाम के बारे में बोलने के लिए, इनको आप ले जाएं, ज़रूरत ही नहीं है। बड़ा सही जवाब दिया। तो याद रख लीजिए, जान लीजिए, पहले नॉवेल्स हुआ करते थे, आर्टिकल्स हुआ करते थे, न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे लोगों की आइडियोलॉजी को ब्रेन वॉश करने के लिए। लेकिन अब लोगों में रीडिंग हैबिट ख़त्म हो गई। आपने देखा होगा अमीर मुख्तार की इतनी मोटी किताब दे दी है, आप पढ़ेंगे अमीर मुख्तार की जो 40 एपिसोड पर मुश्तमिल आप सीरीज़ देख लेंगे। अब फिल्मों के ज़रिए, ड्रामों के ज़रिए, एडवर्टीजमेंट के ज़रिए प्रमोट किया जा रहा है। तो जो लोग सूद खाते हैं वो इस तरह नेकियों से रोकते हैं। अमर बिल मारूफ वनिया मुनकर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन रिवायत में ये भी कहा गया है कि एक ज़माना आएगा कि लोग नेकी से रोकेंगे और गुनाहों का हुक्म देंगे। हमारे यहाँ सब कुछ हो रहा है। तो खुदारा इस टीवी को लात मारिए, फिल्मों को खैराबाद कीजिए और उस इस्लाम पे अमल कीजिए कि जिसको हीरो हमारे आइमा तहार हैं, जिनकी हर हर सुन्नत काबिल तकलीद है। सुन्नत इब्राहिम का हर हर पहलू एक पैगाम अपनी जगह रखता है। ये अदाकार, सदाकार, गुलकार और ये सियासतदान, ये सिर्फ़ अपने मफाद चाहते हैं और अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए मर रहे हैं। ख़ुद भी जहन्नम में जाएंगे, आपको भी जहन्नम में लेके जाएंगे। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारी गुफ्तगु का चौथा मरहला, तीसरा मरहला, इस्लामी महीने।
یا اسلامی مہینوں کی اہمیت. رسول اللہ نے تیسرے پیغام میں یہ کہا کہ دیکھو لوگوں, اسلامی مہینے یا یہ جو 12 مہینے ہیں یہ اس وقت طے ہو گئے تھے کہ جب دنیا کو تخلیق کیا گیا, اور ان محترم مہینوں کو محترم مہینے رکھو اور ان کی نسی نہ کرو. نون سین چھٹی ہے. نسی کیا ہے؟ مہینوں کو چینج اوور کر دینا, آگے پیچھے کر دینا. عرب اپنے زمانے میں مہینوں کو ایک مہینہ اوپر کر دیا کرتے تھے, یعنی فرض کر لیں رجب جو ہے وہ محترم مہینہ ہے تو اس کو آپ نے اوپر کر دیا, جماعت ثانی میں لے گئے, اب وہ حرام ہو گیا, اور رجب جو ہے وہ حلال ہو گیا اس مہینے میں. اس کے بجائے جو ہے وہ شعبان آ گیا, رجب کی جگہ شعبان آ گیا, وہ حلال مہینہ, اس میں لڑائی کر سکتے ہیں, اور جماعت ثانی کی جگہ رجب آ گیا, اس میں نہیں کر سکتے. حلال مہینہ حرام ہو گیا, حرام مہینہ حلال ہو گیا, وہ اپنی کنوینئنس کے لیے کیا کرتے تھے. رسول اللہ نے منع کیا. اچھا جب وہ اوپر کیا, ہر سال اوپر کیا کرتے تھے, تو ایک ایک مہینہ اوپر چلے جایا کرتا تھا. رسول اللہ نے جب حجت الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تو اتفاق سے محرم کا مہینہ یا تمام مہینے اپنی اپنی جگہ واپس آ چکے تھے. ایک ایک مہینہ آپ اوپر کریں ہر مہینے کو ہر سال, تو 12 مہینے لگیں گے. تو بالکل وہ وقت تھا کہ جب محرم اپنی جگہ, رجب اپنی جگہ, شعبان اپنی جگہ, ذی اپنی جگہ. رجب ذیقل ذی الحج محرم, یہ حرام مہینے, اس میں جنگ نہیں ہوگی. اور اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی مہینے نہیں ہیں, یہ تو رسول اللہ سے پہلے سے تھے, یعنی کفار نے سجیسٹ کیے تھے. جی نہیں, اگر ایسا تھا تو ہمارے پاس ابراہیم علیہ السلام کی ولادت, عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہم کہتے ہیں تحاب العرض کے دن ہے, کیوں ہوتی؟ موجود. اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین مہینے ہیں. کوشش کیجئے خود بھی, اپنے بچوں کو بھی اسلامی کیلنڈر, قمری کیلنڈر یاد کروائیے, ڈیٹس یاد کروائیے, ولادت شہادت اہم اسلامی واقعہ انہی تاریخوں کے حوالے سے یاد رکھا جاتا ہے اور منایا جاتا ہے. کس دن غمگین ہونا ہے, کس دن خوش ہونا ہے, کس دن نیاز ہوگی, کس دن کیک کٹے گا, کس دن جشن ہوگا, کس دن جو ہے وہ ماتم ہوگا, بچوں کو پتا ہونا چاہیے. دوسری بات, اپنی بلوغت کی ڈیٹ بچے کو اسی اسلامی مہینے کے حوالے سے طے کرنی ہے. اپنی اسلامی ڈیٹ اسی حوالے سے, خمس کی ڈیٹ آپ کو اسی مہینے سے طے کرنی ہے. خود اپنی برتھ ڈے کوشش کریں اگر آپ مناتے ہیں تو اسلامی مہینے سے منائیں. باقاعدہ ویب سائٹ موجود ہے, اسلامک کیلنڈر ٹو گریگورین کیلنڈر, آپ لکھیں گوگل پہ, وہ ویب سائٹ آ جائے گی, اس میں جا کے آپ اپنی برتھ ڈے لکھیں, وہ کنورٹ کر دے گا, ابھی آپ کی برتھ ڈے ہو گئی. اگر کوئی بچہ ہے 15 سال کا, 14 سال کا, وہ معلوم کرنا چاہتا ہے ایگزیکٹلی میں کب بالغ ہوں گا, تو آپ اس طرح معلوم کر لیں, اس طرح بچیاں معلوم کر لیں. آپ اپنی برتھ ڈے منانا چاہتے ہیں, آپ اس طرح منا لیں. ہمارے ایک دوست نے اس طرح کیا, انہوں نے اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھی, سن لکھا, اسلامی ڈیٹ آئی, پتہ چلا کہ 11ویں امام کا یوم ولادت. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اسلامی مہینے کے بعد رسول اللہ نے 14 جو پیغام دیا وہ شیطان کی مایوسی. رسول نے فرمایا کہ شیطان اپنی پرستش سے مایوس ہو چکا ہے اور شرک کے علاوہ تمام گناہوں پر راضی ہو چکا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ شیطان کی پرستش اب کبھی نہیں کی جائے گی, اور شرک بھی کبھی نہیں ہوگا, اور گناہ ہو سکتے ہیں, شیطان کی پرستش نہیں کی جائے گی. اچھا آپ کو میں بتاؤں, ابھی پچھلے دنوں, یعنی پچھلی صدی میں, 50-60 سال پہلے, امریکہ میں باقاعدہ ڈیولز ریلیجن, شیطانی مذہب وجود میں آیا تھا. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, فلسطین از کالڈ لینڈ آف پروفٹس اور امریکہ از کالڈ لینڈ آف ڈیولز, شیطانوں کی سرزمین کہا جاتا ہے. لیکن بہرحال تمام لوگ اس میں شامل نہیں ہیں, وہ مائنڈ نہ کریں اگر وہ سن رہے ہیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے مسلمان. لکل فرعون موسیٰ, ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ موجود ہے, تو اگر آپ وہاں موجود ہیں تو وہاں کے فرعونوں کو سبق سکھانے کے لیے اللہ نے آپ کو وہاں بھیجا ہے. اگر وہاں پہ رہتے ہوئے اسلام پہ کار بند ہیں تو آپ وہی کام کر رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کر رہے تھے. وہاں پہ ایسی فیملیز بھی موجود ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ الیکٹرانک انجینئر ہے,
किसी ने कहा उसके लिए रिश्ता चाहिए पाकिस्तान में, कोई लड़की है रिलीजियस, उन्होंने कहा भाई लड़का रिलीजियस है भी कि नहीं, कहने कहा लड़का इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन चुका है, अब कुम जा रहा है पढ़ने के लिए। बताएं आप, ऐसे ऐसे लोग जो है वो अमेरिका, यूरोप, कनाडा में मौजूद हैं, तो धोखा ना खाइए। हमसे बेहतर लोग आपको अमेरिका यूरोप में मिलेंगे, क्योंकि हम में से अगर फ़र्ज़ कर लें इस छत के तले कोई बैठा हुआ है अगर चला जाए तो अपनी रीत, अपनी तहजीब, अपनी सकावत, अपनी हुब्बे अहले बैत वो अपने साथ लेकर जाएगा और कोशिश करेगा कि वहाँ के लोगों को अपना गर्विदा बनाए और अपना हम ख्याल बनाए। तो ये ज़रूरी है, और शायद ये अल्लाह ताला की हुज्जत तमाम होने को जा रही है कि दुनिया के कोने कोने में मुसलमान और शियाने अली फैल जाएंगे, ताकि इमाम की नुसरत से एक जगह से नहीं तमाम कोनों से उनकी नुसरत के लिए सिपाही आए। यह है अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो शैतान अपनी परिस्थिति से मायूस हो चुका है, शैतान शिर्क के अलावा तमाम गुनाहों पर राज़ी है। इसका मतलब क्या हुआ, मुसलमान कभी शिर्क नहीं करेगा। अब शिर्क का पहाड़ा पढ़ने वाले, उसका ढोल पीटने वाले, वसीला या शफाअत को शिर्क के मुतरादिफ करार देने वाले खुद देख लें कि जो इतना परेशान रहते हैं वो कि मुसलमानों में शिर्क फैल रहा है, मुसलमानों में शिर्क फैल रहा है। रसूल ने खुद कह दिया कि मुसलमानों में शिर्क नहीं होगा। हाँ, दूसरे गुनाहों के लिए शैतान पूरी कोशिश करेगा। एक छोटे, अब गुनाहों की लिस्ट अगर हम लेखने बैठ जाए तो वो दर्स उसमें निकल जाएगा। एक छोटे से गुनाह, छोटा तो गुनाह नहीं कहना चाहिए, लेकिन चूंकि उसको रियाए शिर्क असगर कहते हैं इसलिए जहन में आया। कितना बड़ा गुनाह है रियाकारी। रियाकारी क्या है? शिर्क असगर है। अभी बकराईद में 2 दिन बाकी हैं, गली कूचों में क्या नहीं हो रहा मुझे बताइए। आप घर में बैठे होते हैं, छन छन छन, ठक ठक ठक, चीख पुकार की आवाज़ें, क्या हो रहा है? गाय को घुमा रहे हैं। आप निकलते हैं, देखते हैं कि जो है वो जानवरों की कैटवॉक हो रही है। फला चौराहे पे सब गाय जमे, क्यों? मोहल्ले की मिस काउ का मुकाबला हो रहा है, सबसे अच्छी काउ किसकी है? हो रहा है, नहीं हो रहा हमारे में? व्हाट्सएप पे क्या हो रहा है? मुंह दिखाई किसकी? जानवर की। ये हमने जानवर लिया देखने आ जाएं, और जो नहीं देखने गया, हमने तो व्हाट्सएप पे पिक्चर भी भेजी थी, आप हमारा जानवर नहीं देखने आए, हम आपसे नाराज़ हैं। जैसे दुल्हन की मुंह दिखाई में अगर कोई रिश्तेदार ना शरीक हो कि भाई मैं ना महरम को नहीं देखता, उससे लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो व्हाट्सएप पे जानवर की मुंह दिखाई हो रही है, तो ये क्या है? जानवर इतने लाख का, जानवर उतने लाख का, और हमने इतने का लिया, हमने उतने का लिया। उसके बाद पहले जानवर को चारा खिला रहे हैं और उसके बाद जानवर का गोश्त टिक्का पार्टी की सूरत में। अभी आप देखिएगा कारमीना, हाजमूला सब ब्लैक में मिल रही होगी, और सब जो है टीवी के आगे बैठे होंगे टोटके देखने के लिए गोश्त कैसे गलाएं, गोश्त कैसे गोश्त ना हुआ, मोमिन शकी मोमिन का दिल हो गया कि गलने को नहीं आ रहा। तो कभी आपने खुम्स और ज़कात की नुमाइश नहीं की कि हमने इतना खुम्स निकाला हो तो करें ना। लेकिन जानवर चूँकि एक नुमाइशी मुस्ताक, ठीक है अपनी फजीलत सवाब अपनी जगह पे, लेकिन ये जो अभी, खैर कहना तो नहीं चाहिए, हम आ रहे थे रास्ते में डार्क ब्राउन किस्म के ऊँट नज़र आए, बड़े खुश हुए कि माशाल्लाह इतने अच्छे ऊँट पाकिस्तान में। पहला कि आदमी पीछे उसको ब्रश कर रहा है ब्राउन रंग का, ये हो रहा है जानवरों पे ब्रश हो रहा है, पेंट हो रहा है कि खुशनुमा अच्छे नज़र आए। तो हम रियाकारी में हर सुन्नत इब्राहिम को, सुन्नत रसूल को, सुन्नत आइम्मा को, हर चीज़ को रियाकारी में, दुनिया परस्ती में बदल दिया गया है। यौम अरफा के अमाल किसी को नहीं याद होंगे, मोहल्ले की हर गाय की कीमत हर बच्चे से पूछ लें आप, फलां की गाय इतने की, फलां की गाय इतने की, फलां की। बेटा अरफा के दिन क्या क्या करना होता ज़रा बताओ, अरफा ये क्या होता? वो तो वहाँ पर होता, हमारे लिए कोई अमाल नहीं है। सारी रात बच्चे घूम रहे होते हैं, कराची के पूरे इलाकों में यही हाल है, शब्बेदारियाँ हो रही हैं, लेकिन अरफा के अमाल के लिए, शब अरफा के लिए, अरफा के रोज़े के लिए कोई फ़िक्र नहीं कर रहा। तो ये सब क्या है? शिर्क असगर है, ये सब क्या है? गुनाह है। शैतान को मालूम है ये मुसलमान शिर्क तो नहीं करेगा, दूसरे गुनाह तो करेगा, और शैतान ने कह दिया है, उसका जुमला कुरान में मौजूद है कि मैं तेरी सिरात मुस्तकीम पर बैठूँगा, मैं शराब खानों पर, सिनेमा हॉल्स में, जुआ खानों में नहीं बैठूँगा, मैं तो मस्जिद में बैठूंगा, मैं इमाम बारगाह में बैठूंगा, मैं मदरसे में बैठूंगा, मैं जो हूँ नमाज़ पढ़ने वाले के पीछे जाऊंगा, मैं कुर्बानी करने वाले के पीछे जाऊंगा, ताकि
उसको रोकूं, अगर रोक ना सकूं तो रियाकारी पैदा कर दूं। ये आखिरी हरबा होता है। कुछ लोगों को आपको सुन के हैरत होगी, उलमा आलम फरमाते हैं कि शैतान बाकायदा फजर के लिए उठाता है, नमाज शब के लिए उठाता है। क्यों? कि वो इस नमाज शब पे फख्र करने लगे कि मैं नमाज शब पढ़ता हूँ, कोई नहीं पढ़ता, मैं जन्नती हूँ, बाकी सब जहन्नम, मैं फजर पढ़ता हूँ, मैं अव्वल वक्त। तो ये इबादत का गुनाह आपको जहन्नम में ले जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखिए कि अगर आप किसी नेकी को करने में कामयाब हो गए तो हुनूस दिल्ली दूरस्त, देर आर लॉट ऑफ स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स, अभी भी आप अगवा हो सकते हैं। और मुझे बताइए, चोर या डकैत किसी झुग्गी में डाका डालता है, किसी बड़े बंगले में डाका डालेगा ना, यहाँ ज़्यादा पैसे मिलेंगे मुझे, यहाँ ज़्यादा माल होगा। तो मोमिन की जेब, मोमिन की कमाई, मोमिन की नेकी पे धावा डालेगा, बोलेगा शैतान क्यों, कि उसके पास नेकियों का खजाना है, शैतान को नेकियां तो चाहिए, गुनाहगार फासिक के पास क्यों वो आएगा उसको बहकाने के लिए। तो शैतान अपनी परस्तिश से मायूस हो चुका है, शैतान शिर्क से मायूस हो चुका है, लेकिन और गुनाहों पर अभी भी आमादा है और मोमिन को भी आमादा कर रहा है। तो इस शैतान से बचिए, हुज्जतुल विदा के अहम पैगाम, अहम तरीन पैगाम को समझिए। इसके बाद पांचवा पैगाम, अमानतदारी। रसूल फरमाते हैं कि जो शख्स किसी से अमानत ले उसको वापस कर दे। मुझे बताइए, रसूल अपनी एलाने रिसालत से पहले क्या मशहूर थे? सादिक और अमीन। क्या उन्होंने खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया था कि मैं सादिक हूँ, मैं अमीन हूँ, मुझे सादिक और अमीन कह के भी पुकार सकते हो, नाम मेरा मोहम्मद है। रिसालत का ऐलान किया, सादिक और अमीन होने का ऐलान करवाया अपने किरदार से, ताकि लोग ऐलान होने के बाद झूठा ना कहें, कोई और बहाना बना दें, झूठा ना कहें। हमें फख्र है कि जिस शख्स ने अपने आप को सादिक कहलवाया, हम उसके मानने वाले हैं, उसकी सुन्नतों पर चलने वाले हैं, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोला करता था, कभी उसने झूठ नहीं बोला। और इसी तरह हमें उस शख्स पे भी फख्र है जिसने अपने आप को सादिक कहलवाया और हम उसकी फिक के मानने वाले हैं। हमारा पहला सादिक हमें मुसलमान बना गया और हमारा दूसरा सादिक हमें फिका जाफरिया का मानने वाला। तो मुसलमान बनना है तो पहले सादिक के पास जाओ, और मोमिन बनना है तो दूसरे सादिक के पास आओ। तो जो सादिक होता है वो झूठ नहीं बोलता, और जो लकब होता है इंसान खुद नहीं रखता, उसकी सिफात दर्जे कमाल पे इस तरह पहुंच जाती हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं उसको उस सिफत से पुकारने पर। अमानतदारी और झूठ, अमानतदारी और सच, ये दो ऐसी खूबियां हैं, अगर किसी इंसान में पैदा हो जाए तो वह हर दिल अजीज हो जाता है। अमानतदारी के हवाले से, अगर आपको किसी मोहल्ले की अमानतदारी देखना हो मिन हसल मजमई, तो उस मोहल्ले में कुंडे देख लीजिए, कितने कितने लोग खयानत कर रहे हैं, कितने लोग जो है अमानत दे रहे हैं। किसी की चीज़ को बिला इजाज़त इस्तेमाल करना, ये भी खयानत है। किसी का मोबाइल उठा लिया आपने, SMS पढ़ना शुरू कर दिया उसके, ये भी खयानत है। किसी ने आपको लिबास दिया, पर्स दिया कहीं जाने के लिए, आपने दूसरी जगह जाने के लिए भी वो इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पर खयानत शुरू हो गई। किसी ने आपको कोई चीज़ इस्तेमाल करने की, आपने जो है किसी और को दे दी, या किसी ख़ास काम के लिए इस्तेमाल करने की दी, आपने किसी और काम में भी इस्तेमाल कर ली, ये भी खयानत है। नमाज नहीं होती, वज़ू नहीं होता अगर गज़बी पानी से वज़ू किया जाए, उस जगह नमाज नहीं पढ़ सकते। हम जो यहाँ पे जो हैं अपने घरों पे कब्ज़ा करके बैठे हुए, दूसरों के घरों पे लैंड माफिया हैं, और लैंड माफिया के अलावा भी जो लोग किसी की जगह पे कब्ज़ा करके बैठ जाए, उनके यहाँ नमाज़ें कबूल नहीं होती उनकी जगह पे। झूठ,
हमारे माशरे में कितना झूठ बोला जाता है उसका अंदाज़ा एक सिंपल से टेस्ट से लगा सकते हैं। दो सवाल मैं आपको बताता हूँ, एक मर्दों से किया जा सकता है, एक औरतों से। पता चल जाएगा कि कौन कितना सच्चा। औरतों से उनकी उम्रें पूछ लें, मर्दों से उनकी सैलरी, साफ पता चल जाएगा कि कौन कितना सच्चा है। अच्छा, हम ही नहीं मगरब भी इस करप्शन में, इस झूठ में मुलव्वस है। आप पूछें वहाँ पे रहने वालों को। अच्छा, वहाँ पे हर चीज़ की इंश्योरेंस होती है। गाड़ी ली, एक्सीडेंट हो गया, आपने गाड़ी वापस कर दी, दूसरी गाड़ी ले ली। सूटकेस लिया, कुछ दिनों बाद वापस कर दिया। कराची आए, कराची से आकर दोबारा इंग्लैंड चले गए, दो महीने लगे आपको, आपने दो महीने बाद वापस कर दिया। भाई ये तो सूटकेस आपने कहा था 5 साल की गारंटी, 2 महीने में ख़राब हो गया। भाई आप PIA की परवाह से चलेंगे तो सूटकेस तो ख़राब होगा। आपको छोटी सी चोट आई और आप जो है वो पैर पे आप लंगड़ा लंगड़ा के चलने लगे कि भाई मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मुझे। मगरब के माशरे में इस तरह लूट रहे हैं लोग इंश्योरेंस कंपनीज़ को, बेवकूफ़ बना बना के, गोरे भी काले भी, पता नहीं किसने किसको सिखाया। बहरहाल वहाँ भी ये हो रहा है काम। स्विस बैंक इतना रिच मुल्क है, वो क्या कर रहा है? दुनिया भर के लोगों की दौलत को अपने बैंक में जमा कर रहा है और वो पूछता नहीं है दौलत तुम कहाँ से लाए। ज़्यादातर दौलत जो है वो मुसलमान ममालिक, करप्शन की दौलत, पाकिस्तान इंडिया अव्वल नंबर पे। अच्छा, देने वाला ना ये बतलाता है कि मैंने कहाँ से कमाई, ना ये बतलाता है कि मेरे अलावा कौन इसका ज़िम्मेदार होगा। अगर वो मर गया, जो कि होता है, एक गवर्नमेंट के आने के बाद दूसरी गवर्नमेंट उसको फांसी दे देती है, जिंदान में डाल देती है, सारे असासे फ्रीज कर देती है, तो स्विस गवर्नमेंट क्या करती है? अब वो अकाउंट किसी और को नहीं देगी, वो पैसे खुद खा लेती है। खुद आपके बैंक में भी अगर आप किसी बैंक में पैसा जमा कराएं और सेकेंड पर्सन का नाम मेंशन ना करें कि मेरी मौत की सूरत में, हादसे की सूरत में आप किसको रابطہ करें, तो बैंक खुद रख लेता है। करोड़ों अरबों रुपए इस तरह बैंक कमा लेते हैं हर साल। तो स्विस बैंक जहां पे करोड़ों अरबे रुपए जो है सियासतदानों के मौजूद होंगे, तो वहां पे क्या हाल होगा दौलत का? अमानतदारी और झूठ, ये किसी भी शख्स और कौम को जांचने का बेहतरीन जरिया है। इंग्लैंड वाले इतना ईमानदारी का ढोल पीटते हैं, कोहिनूर हीरा अब तक उन्होंने वापस नहीं किया हमारा। बाकायदा लाहौर की अदालत में कोहिनूर हीरे पे केस हुआ है इंग्लैंड की गवर्नमेंट के खिलाफ कि हमारा हीरा नहीं वापस करके दे रहे अभी तक। बरतानिया की मलका के ताज पे अभी तक जो है वो हीरा जुड़ा हुआ है। इतनी दुनिया भर की दौलत रखी भी आपने और कोहिनूर हीरा जो है वो वापस करके नहीं दे रहे। तो लोगों को आप करप्शन फ्री सोसाइटी का दर्ज दे रहे हैं, खुद आपकी मलका जो है वो कोहिनूर हीरा जो है वो दबा के बैठी हुई है। तो अगर आप इंसान को दर्ज देना चाहते हैं सदाकत का, अमानत का, तो पहले आप उस पर ख़ुद अमल कीजिए इनफरादी तौर पर, मिन हैसुल मजमूई, बतौर कौम, और फिर लोगों को दर्ज दीजिए। इसके बाद छठा पैगाम हुज्जतुल्विदा का, खुतबा हुज्जतुल्विदा का, मर्दों के हुकूक़ औरतों पर, एक दुरूद पढ़ें मोहम्मद आले मोहम्मद पे। देखिए, रसूलुल्लाह ने गुफ्तगू कुछ इस तरह की कि देखो लोगों, औरतें तुम्हारे पास अल्लाह की अमानत हैं। जिस तरह तुम्हारे कुछ हकूक़ हैं औरतों पर, उस तरह औरतों के कुछ हकूक़ हैं तुम्हारे पर। फिर उन्होंने मर्दों के हकूक़ बताए और औरतों के मुख्तसरन, तफसीलात तो दीगर रिवायात और आयात में मिल जाएगी आपको। मर्दों के हकूक़ औरतों पर रसूलुल्लाह ने दो हकूक़ बताए, अपने इज्जत और नामूस की हिफाजत करना और नेकी के काम में इताअत करना। तो एक फितरी बात है कि औरत बाहया होती है, चाहे वो बेदीन ही क्यों ना हो, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, जहाँ पे हिजाब नहीं होता वहाँ की औरत भी जो है वो बाहया होती है। एक फितरी उसकी जो है वो जिबिल्लत है, एक अल्लाह ने वदीअत किया है उसमें। अभी जैसे कि बतलाया गया आपको पिछले दर्स में शायद, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बीबी सारा को लेके जा रहे थे तो संदूक में बंद करके लेके गए वो, कि उनकी मर्दानगी, गैरत, मर्दाना गैरत थी, जिसने गवारा नहीं किया कि मिस्र के हुक्काम जो है मेरी औरत पे, मेरी बीवी पे गलत निगाह डालें। आप मौला अली जब कूफे में आते हैं तो क्या कहते हैं बेपर्दा औरतों को देख के, कूफे के मर्दों तुम्हारी गैरत को क्या हुआ? ये फितरी गैरत है, इसका इस्लाम से भी कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम ने उसको मज़ीद संवार दिया है, उसकी इल्लत बदला दी, उसके असरात वाज़ह तौर पे आपको समझा दिए।
مرد یہ چاہتا ہے کہ میری عورت با حیا ہو، با عصمت ہو۔ عورت کی عصمت کے حوالے سے ابھی جیسے ہم نے تذکرہ کیا کہ جس سوسائٹی میں سود لیا جائے گا وہاں بے حیائی عام ہوگی، مطلب جیسے ہم نے کہا کہ نیکیوں سے روکا جائے گا، اسی طرح شراب پینے والے، سور کا گوشت کھانے والے اور خود ان حرکتوں میں ملوث افراد کہ ہاں اس بے حیائی کو دیکھا جاتا ہے۔ مثال اگر آپ کو دی جائے، اسرائیل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ہر سال 500 پی ایچ ڈیز پیدا ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ ملک ہے نا، اسلامی ممالک کو تو کہہ دیا جاتا ہے آپ لوگ بیکورڈ ہیں، آپ جو ہیں وہ دقیانوسی ہیں، آپ جو ہیں ایک 1400 سال پرانے مذہب پہ عمل کر رہے ہیں، اس لیے آپ کی عورتیں جو ہیں وہ پردے میں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اتنا تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اسرائیل کی عورتوں کا کیا حال ہے؟ ابھی ایک رپورٹ اخبار میں چھپی تھی کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ میں جتنی عورتیں ہیں ان سے فردن فردن انٹرویو لیا گیا کہ آپ اپنے آپ کو کابینہ میں، پارلیمنٹ میں کیسے محسوس کرتی ہیں۔ ہر پارلیمانی ممبر خاتون نے یہ کہا کہ میں اپنے آپ کو اس پارلیمنٹ میں غیر محفوظ متصور کرتی ہوں، کسی ایک نے نہیں کہا کہ دیکھیں نا پارلیمنٹ میں۔ اچھا ہم ان کے یہاں ہمارے یہاں والا حساب نہیں ہے، ہمارے یہاں تو جو ہے وہ ڈگریاں جعلی بنوا کے جو الیکشن لڑے جاتے ہیں، وہاں بہت پی ایچ ڈی ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ ماسٹرز ڈگری کیے ہوئے لوگ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور آگے آتے ہیں، فقط دولت کی بنیاد پہ نہیں آتے۔ تو اتنا پڑھا لکھا معاشرہ جہاں 500 پی ایچ ڈیز پیدا ہوتے ہیں، جس کی پارلیمنٹ کی عورت، ہر عورت نے کہا، کہتے ہیں ناٹ اے سنگل وومن جس نے کہا کہ آئی ایم سیکیورڈ، میں بالکل محفوظ تصور کرتی ہوں، ہر عورت نے کہا کہ یہاں پہ جو یہ چور چکوں کی بات نہیں کر رہی تھی، وہ سڑکوں چوراہوں پہ گھومنے والے مردوں لچے لفنگوں کی بات نہیں کر رہی تھی، جو پارلیمنٹ میں ممبران ہیں اسرائیل کے، کہتی ہے کہ ہمیں ان سے خطرہ ہے، ہمیں اپنی عزت بچانا جو ہے وہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی کابینہ، اسی طرح فرانس کی کابینہ کی خواتین سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ وہاں تو کتنے کیسز وجود میں آ چکے ہیں، خود بی بی سی کی ویب سائٹ کے حوالے سے، بی بی سی کا جو چینل ہے، ریڈیو نیوز چینل، اس کے کتنے ڈائریکٹرز مینیجرز اس میں انوالو پائے گئے ہیں خواتین کے ساتھ زیادتیوں کے کیسز میں۔ تو جو مغربی معاشرہ یہ کہتا ہے کہ ہماری تعلیم لوگوں کو روشن دماغ بناتی ہے، کیسے روشن دماغ بناتی ہے؟ علم و نور، علم تو نور ہے، وہ ہمیں حلال حرام میں تمیز سکھاتا ہے، نیکی اور بدی کی جو ہے وہ فرق کرنے کی توفیق دیتا ہے کہ یہ آپ کا کیسا معاشرہ اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود وہاں پہ جو ہے یہ سب چیزیں جاری ہیں۔ باقاعدہ امریکہ میں ایک تنظیم بنی کہ جس تنظیم میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم باقاعدہ خفیہ ویڈیوز بنائیں گے چوراہوں پر، سڑکوں پر، کہ جن خواتین کو چھیڑا جاتا ہے۔ 26 ممالک میں اب اس تنظیم کے دفتر موجود ہیں۔ جب انہوں نے ویڈیوز بنائی تو پوری نیو یارک میں چھاپے پڑنے شروع ہو گئے، جس طرح یہاں رینجرز کے چھاپے پڑتے ہیں پولیٹیکل وہاں پہ۔ کیوں چھاپے پڑنے شروع ہو گئے؟ انہوں نے فلاں عورت کو فلاں جگہ پہ چھیڑا تھا، وسل بجائی تھی، یا جو ہے وہ کمنٹس پاس کیے تھے۔ تو یہ نیو یارک جیسے شہر میں، جس کو آپ کہتے ہیں پڑھا لکھا ملک ہے، پڑھا لکھا شہر ہے، وہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلامی تعلیمات انسان کو متقی پرہیزگار بناتی ہے، عورت کو باحیا بناتی ہے، اور مرد کو اپنی نگاہیں کنٹرول کرنے کی توفیق دیتی ہے، اور وہ باہر کی عورتوں کو بھی ایسا ہی سمجھتا ہے جس طرح کہ اپنی گھر کی عورتوں کو سمجھتا ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اچھا یہ تو ہو گئے عورتوں کے حقوق، اب مردوں کے حقوق، اب عورتوں کے حقوق مردوں پر۔ رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے ذمے ان کے کپڑے اور کھانا، یعنی نان و نفقہ ہے، اور دیکھو ان کو مارنا مت۔ یہ اسلام میں باقاعدہ اصول ہے کہ اگر آپ کسی خاندان سے لڑکی کو بیاہ کے لاتے ہیں تو اب اس کا رکھ رکھاؤ اس خاندان کے مطابق کرنا ہوگا، وہ جس قسم کے کپڑے پہنتی تھی، جس قسم کے میوے کھاتی تھی، یا تو آپ پہلے سے بات کر لیجئے کہ بھئی میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، میری تنخواہ اتنی ہے، بجٹ اتنا ہے، تو میں یہ دے سکتا ہوں۔ ورنہ عورت کا یہ حق ہے، وہ مانگ سکتی ہے، چھوڑ دے ایک الگ بات ہے۔
और जहाँ तक मारने की बात है तो ये कहा जाता है कि जो मर्द अपनी औरत पर हाथ उठाए वो तमाचा मारता है अपनी मर्दानगी पर। अगर आपको गुस्सा उतारना है तो अपने जैसे मर्दों पर, अपने जैसे ताकत के हामिल लोगों पर गुस्सा उतारिए। एक औरत जो कमज़ोर है जिस्मानी या बदनी एतबार से, आप उस पर गुस्सा उतार के नाहक अपनी मर्दानगी का सबूत दे रहे हैं। तो औरतों के हवाले से कहा जाता है कि अगर किसी मर्द के बारे में मालूम करना हो कि वो नेक है क्या नहीं, उसके घर वालों की, उसके घर की औरतों से उसके बारे में पूछो। ये बिल्कुल फैक्ट बात है, अगर इंसान हकीकत में नेक होगा तो वो उन लोगों से भी नेकी का बर्ताव करेगा जो उसके मातहतीन हैं, जिनसे अगर वो नेकी ना भी करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एहसान और नेकी के बारे में कहा जाता है कि असल एहसान या नेकी वो है कि तुम उससे करो जिससे किसी बदले की तवक्को ना हो। दोस्तों से तो आप हंस के बात करेंगे, दोस्तों से तो आप नेकी करेंगे, लेकिन घर वालों से नेकी करके आपको मालूम है रिटर्न तो मिलना नहीं कि मैं नेकी क्यों करूं, क्यों मैं पोलाइटनेस या अखलाक कुछ का जो है वो पोलाइटनेस का या अखलाक का या मुजाहरा करूं। तो मर्दों को चाहिए अपना क्राइटेरिया, अपने अखलाक का क्राइटेरिया अपनी औरतों को बनाएं। अगर उनकी घर घर की औरतें उनके मर्दों की तारीफ करते हैं तो यकीनन वो भी तारीफ के काबिल है। इसके बाद रसूलल्लाह ने आठवां पैगाम जो दिया वो हुरमत काबा के हवाले से, एहतराम मोमिन के हवाले से, बल्कि आठवां पैगाम था कुरान और इतरत। इन्नी तारिकुन फिकुम अस्सक़लैन किताबुल्लाह व इतरती मा इन तमस्सक्तुम ला तज़िल्लू बादी, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो ग्रा कदर चीज़ें छोड़ जा रहा हूँ, अगर तुम इनसे मुतमस्सिक हो गए तो कभी गुमराह नहीं होगे हत्ता कि मुझसे हौज़े कौसर पर मुलाकात क्यों ना कर लो। लोगों ने कुरान और सुन्नत, कुरान और इतरत कहा था रसूलल्लाह ने, उसको बदल के कुरान और सुन्नत कर दिया। हदीस या सुन्नत मुझे बतलाइए हमें कहाँ से मिलेगी, कोई करके दिखाएगा ना हमको, कोई कॉल के ज़रिए हमें सुन्नत को पहुँचाएगा, हम किसके कॉल पे इतबार करें? उसके कॉल पे इतबार करें जो बाइस्मत है और किसी गुनाह का मुर्तकिब नहीं हुआ, या उस पर इतबार करें जो गुनाह का एहतमाल रखता है? इसी वजह से कुरान और इतरत को छोड़कर, यानी दोनों को बैक वक्त पकड़ना है, किसी एक को पकड़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। जिसने कुरान को पकड़ा वो खवारिज कहलाए, जिसने फ़कत हदीस को पकड़ा वो गाली कहलाए, क्योंकि हदीसें तो जो हैं वो गड़ी भी हैं, जब तक उनको कुरान के मीज़ान में नहीं परखा जाएगा कैसे पता चलेगा कौन सी हदीस ठीक है कौन सी हदीस गलत है। लोगों के बनाए हुए एक इमाम फरमाते हैं कि देखो अगर मेरी बताई हुई कोई बात तुम्हें कुरान और सुन्नत की मुखालिफत में लगे तो उसको दीवार पे दे मारना, और अल्लाह के बनाए हुए इमाम ने क्या कहा कि देखो मेरी बताई हुई कोई बात तुम्हें कुरान और सुन्नत कुरान की मुखालिफत में लगे तो उसको दीवार पे दे मारना, और ये समझ लेना कि ये मैंने कहा ही नहीं। हमारा इमाम खुदा का बनाया हुआ मुंतखब नुमाइंदा कभी गलती नहीं कर सकता, ना कौल में ना फेल में। जबकि सुन्नत की अगर आप बात करें तो सुन्नत किसके ज़रिए पहुँचेगी? अगर गैर मासूम के ज़रिए पहुँचेगी तो उसमें एहतमाल मौजूद है कि वो गलत हो, मनगढ़ंत हो, गुलू हो, कोई इम्तिजाज हो, कोई मिलावट हो, और अगर मासूम के ज़रिए पहुँचेगी तो इसमें किसी किस्म का एहतमाल या शक व शुबे की गुंजाइश नहीं होगी। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एहतराम मोमिन को किस लतीफ़ अंदाज से रसूलल्लाह ने समझाया वो काबिले दीद है। रसूल ने फरमाया अस्हाब से कि आज कौन सा दिन है? लोगों ने कहा आज मोहतरम दिन है। रसूल ने कहा ये कौन सा महीना है? लोगों ने कहा ये मोहतरम महीना है। रसूल ने कहा कि ये कौन सी जगह है या शहर है? तो लोगों ने कहा ये मोहतरम शहर है। रसूल ने कहा कि जान लो कि तुम्हारी या एक मोमिन की जान व माल दूसरी मोमिन की जान व माल दूसरी मोमिन के लिए हराम है, यानी किसी की जान किसी का माल दूसरे के लिए हराम है, ना उसकी जान ले सकता है ना जो है उसका माल ले सकता है। आप देख लीजिए हमारे माशरे में बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, छोटी सी बात है कहने को बहुत छोटी लगती है, लेकिन इतना ज़्यादा हमारे माशरे में राइज हो चुकी है कि बाकायदा लोग नफसियाती मरीज़ बनते जा रहे हैं। क्या? एक दूसरे का मजाक उड़ाना, जुमलेबाजी,
तंज, तनकीद, खामी, जब बात की जाए, पूछा जाए तो फौरन कह दिया जाता है कि भाई हमने तो मजाक किया था। बच्चों में नहीं, बड़ों में होता है, समधियों में होता है, समधानों में होता है, नंद में होता है, भाभियों में होता है, सास बहू में होता है। ये जुमलेबाजी और तंज और तनकीद बच्चों में नहीं रही, बड़ों का हिस्सा बन चुका है। और ये बातें दिल में घर कर जाती हैं, दिल में हमेशा रहती हैं। कहते हैं अमीर मुख्तार और उम्र साद की दुश्मनी मदरसे के ज़माने से थी, मदरसे से तू तू मैं में चल रही थी। अब एक का रुझान दीन की तरफ था, एक की तरफ नहीं था, एक का दीन की तरफ रुझान नहीं था। जिसका नहीं होता है तो वो बिल्कुल दीन से नाबलद हो जाता है। क्यों? कि वो चाहता नहीं कि मैं वो काम करूं जो इसको पसंद है। नमाज भी छोड़ देगा, दाढ़ी भी कटवा लेगा, हिजाब भी छोड़ देगी वो औरत, कि मैं नहीं चाहती कि जो काम इसको पसंद है वो मैं करूं। फिर जिद्दबाजी इंसान को हो जाती है। बुलिंग जिसे कहते हैं, बच्चों के हवाले से स्कूल में बहुत ज़्यादा बच्चों का मजाक उड़ाना किसी बुनियाद पर। अभी इंग्लैंड में रिसर्च की गई तो पता चला कि हर तीसरा शख्स जो कि नफसियाती मरीज़ है, हर तीसरा नफसियाती मरीज़ बचपन में बुलिंग का शिकार रहा है। यानी बचपन से उसको लोग छेड़ते आए, काला रंग होने के, छोटा कद होने की वजह से, मोटापे की वजह से, गरीब होने की वजह से, किसी भी वजह से उसको छेड़ते आए, उसका मजाक उड़ाते हुए आए, इसलिए जो है वो आगे चलकर नफसियाती मरीज बन गया। हम अपने बच्चे का मजाक उड़ा रहे होते हैं, तुम्हें तो कोई काम करना नहीं आता, तुमसे काम कहा जाए तो उस काम को बिगाड़ देते हो, इससे बेहतर तो यह कि इंसान खुद काम कर ले। तुम लोगों के होते हुए तो यहाँ पे कोई काम नहीं हो सकता, चलो निकल जाओ। कितनी मर्तबा मना किया है कि बीच में नहीं बोला करो। तो ये हम क्या कर रहे हैं, बच्चे की शख्सियत को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। तुम इतने सवाल जवाब करती क्यों हो, क्या ज़रूरत है तुम्हें हर किसी की नोक झोंक सुनगुन लेने की। तो हम ये क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को बुलिंग कर रहे हैं, अपने बच्चों की तौहीन कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि तौहीन जो है वो अपने सामने के बराबर के हम मनसब इंसान की हो, बच्चों की भी तौहीन हो सकती है। असहाबे रसूल जब जा रहे थे हिजरत मदीना के वक्त तो काबे की तरफ रुक के रोने लगे खड़े होकर। रसूल ने कहा कि काबा तुम्हें बड़ा अजीज़ है, कहने के हैं हाँ क्यों नहीं अजीज़ हो, अल्लाह का घर है। रसूल ने कहा कि मोमिन की इज्जत इस काबे से बढ़कर है। हम बड़े आराम से मोमिन का मजाक उड़ा जाते हैं, हम बड़े मजाक से जो है उसकी बात को रद्द कर जाते हैं, क्योंकि वो अल्लाह का वली, कोई इमाम, कोई नबी, कोई बुजुर्ग शख्सियत नहीं है। सिर्फ इस वजह से, कोई ही क्यों ना हो, हत्ता के फासिक व फाजिर ही क्यों ना हो, अल्लाह गुनाह की नहीं बात कर रहा मैं, एक होते हैं सेकुलर इन्वायरमेंट में रहने वाले, लेकिन आपको हक नहीं है। गीबत अगर कोई कर रहा हो, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई गीबत कर रहा हो और उसको भरी महफिल में आप टोक दें बदतमीज़ी से कि भाई क्या तुम हर किसी की गीबत लेके बैठ जाते हो, ये आपने बेहतरामी कर दी उस मोमिन की और उससे बड़ा गुनाह कर दिया। वो तो फ़कत गीबत कर रहा था, आपने जो है तौहीन करके काबे को उठा दिया। हम बड़े मज़े से जो है वो लोगों के सामने महफिल में अपने बच्चे को डांट देते। कितनी मरतबा तुमको मना किया है कि म्यूज़िक ना सुना करो, कितनी मरतबा मना किया है कि तुम ये प्रोग्राम ना देखा करो। आप अकेले से भी तो समझा सकते हैं उसको, खाने के टेबल पे खाना शुरू होता नहीं है बाप के सामने, आप बच्चे के बताऊं तुमको, तुम्हारे बाप को आज तुमने क्या किया, पूरे खाने के टेबल पे जो है उसकी रुदात जो है फिल्म चल रही होती है। यही बात आप अकेले में भी समझा सकते हैं, यानी आप और आपका बच्चा, उसका कोई बहन भाई साथ ना हो, बहन भाई साथ होगा तो बस उसकी बेइज्जती हो गई। अब उसको याद रखेगा, अनखियों से उसको देख रहा होगा और कहेगा ठीक है बेटा तुमने शिकायत लगाई होगी, अब कल मैं तुम्हारी बात बताऊं, वो अपनी बात बताना, उसकी बात बताना। तो दोनों एक दूसरे की सीक्रेट्स आउट कर रहे होते हैं। कसूर उनका नहीं है, कसूर हमारा है कि हमने बच्चे को मजबूर किया। सरे आम कहते हैं कि बच्चे को रंगे हाथों भी नहीं पकड़ना चाहिए कोई गुनाह करते हुए। एकदम छापा मारते हैं ना, कमरा का दरवाज़ा खोल देते हैं, क्या देख रहे हो, चलो जाओ, और खुद दरवाज़ा करके बैठ गए। तो भाई ये ऐसा ना करें, आप बच्चे को जो है सरेआम डांट के रंगे हाथ पकड़ के उसकी सारी इज्जत दारदार कर रहे हैं। हम में से कौन है ये जो दावा करे हमने ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, छोटा या बड़ा, भाई मासूम है ही नहीं कोई। तो जब आप खुद कहते हैं कि भाई हम भी गुनाहगार हैं तो बच्चा भी गुनाहगार है। और आपके ज़माने में ये व्हाट्सअप, इंटरनेट, फेसबुक, टीवी चैनल्स, स्मार्टफोन्स नहीं हुआ करते थे, स्मार्ट लोग हुआ करें लेकिन स्मार्टफोन्स नहीं थे, तो गुनाहों के ज़राए ज़्यादा हो गए हैं।
तो थोड़ी सी रियायत दीजिए अपने बच्चे को। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को गुनाह करने दीजिए, इतनी ज़्यादा सख्ती, इतना ज़्यादा जो है वो आप सरजनिश करेंगे तो वो स्प्रिंग की तरह दोबारा वापस आएगा, समझाने वाले अंदाज से और अकेले में। या यकीन कीजिए कहाँ ये जाता है, बहुत अच्छा सा उसूल है तरबियत का कि तारीफ सबके सामने और डांट या इसलाह तन्हाई में। इसलाह करनी हो तो तन्हाई में करें, यकीन करें बच्चे पे बिल्कुल लाइक अ बुलेट, जैसे तीर निशाने पे लगता है उस तरह असर होगा। आप उसकी फेस रीडिंग करके देख लीजिए, आप जो सबके सामने जो उसको लुताड़ रहे होते हैं, आप समझ रहे होते हैं आपके चीख चिल्लाने से बच्चा बहुत समझ रहा होगा, पड़ोस में दावत चली जाती है आपकी कि इनके घर में आज जो है वो थर्ड वर्ल्ड वार हुई है, लेकिन उस बच्चे पे कोई असर नहीं होगा। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, दसवां और आखिरी मरहला अमर बिलमारूफ नहीं अनिल मुनकर। रसूलुल्लाह ने कहा कि देखो जो लोग मौजूद हैं उन लोगों तक मेरा पैगाम पहुंचा दें कि जो नहीं मौजूद, क्योंकि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। कितना बड़ा स्टेटस दिया है, कितनी इज्जत दी है, वजह बतला दी कि जो लोग मौजूद हैं वो उन लोगों तक मेरा पैगाम पहुंचा दें कि जो मौजूद नहीं है, क्योंकि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब उम्मत को नबियों वाला काम करना है। हर शख्स मानवीय तौर पे अपने आप को नबी समझे, अंदरूनी तौर पे अपने आप को नबी समझे, काम करने के हवाले से अपने आप को अल्लाह का मैसेंजर समझे, हकीकत में नहीं, वर्चुअली जिसे कहते हैं लफ्ज, एक्चुअली नहीं वर्चुअली, क्योंकि हम नबियों वाला काम कर रहे हैं। अब कोई शख्स ये ना कहे कि मैं बैचलर मास्टर्स की डिग्री लूँ, मैं हौज़ा इल्मिया में पढ़ूँ, मैं अमामा सर पे रखूँ, मैं हिजाब करूँ या मैं तमाम काम कर लूँ, तब जो काम आप कर रहे हैं उसकी तबलीग शुरू कर दीजिए। जब ये आयत उतरी या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा नासु वल हिजारा, कि ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से कि जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अच्छा रोता हुआ आया बाकायदा कि रसूल पहले अपने आप को जहन्नम से बचाना क्या मुश्किल था, आसान था कि जो मैं अपने घर वालों को भी बचाऊं तो बहुत मुश्किल काम है। तो रसूल ने कहा कि बस तुम जो करते हो, जो करते हो वही अपने घर वालों को करने को कहो। आपको कौन कह रहा है कि पूरा जो है वो कुरान खोल के बैठ जाएं और पूरी जो है वो काफ़ी और तहजीब इस्तफसरा की किताबें बहरुल अनवार खोल के बैठ जाएं, बस जो आप कर रहे हैं, बल्कि बोलने की भी जरूरत नहीं घर वालों को, तो जो आप कर रहे हैं आपको देख के वो भी करेंगे। आप टीवी देख रहे हैं बच्चे भी टीवी देखेंगे, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं आप बच्चे भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, हिजाब कर रहे हैं बच्चे भी नमाज़ पढ़ेंगे। तो बस जो आप कर रहे हैं लोगों को कहें वो करते चले जाएंगे। तो अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर का फरीज़ा आपको अंजाम देना है। इतना अफसोस के साथ कहना पड़ता है आजकल माओं ने एक अजीब ट्रेंड बना लिया है, माओं की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने अजीब एक ट्रेंड बना लिया है। क्या टैबलेट्स, बच्चे माएँ बच्चों को टैबलेट्स देने लगी हैं आजकल, गोली वाली टैबलेट्स नहीं, आईपैड और वो टैबलेट जो होता है, बच्चा उसमें जो है वो पोएम सुन रहा है, बच्चा उसमें जो है वो कार्टून देख रहा है और तमाम चीज़ें। इतना लोग बच्चे शौकीन हो गए हैं कि वो आसपास देखते ही नहीं कि क्या हो गया है। अच्छा वो सब ना मेलोडी होती है, हारमोनी उसमें एक होता है, एक उसमें एक नगमगी होती है। अब उसको कुरान की कदरत भी अच्छी नहीं लगती, मरकबत भी अच्छी नहीं लगती, लोहा भी नहीं अच्छा लगता, क्यों उसमें म्यूज़िक नहीं होती। इतनी म्यूज़िक होती है कार्टून्स में और जो राइम्स जिन्हें हम कहते हैं, जो बच्चे पोएम्स वगैरह पढ़ते हैं। तो अच्छा फिर कार्टून निकोल्डन जो कार्टून है उसके बारे में आप सुन लें, दो इस किस्म की सीरीज़ आई हुई हैं जिसमें बाकायदा जो है गे मैरिजेस को प्रमोट किया जा रहा है। तो ये हमारे माशरे में मीडिया के ज़रिए तबलीग शुरू हो चुकी है शैतान की। अगर आपने थोड़ी सी भी देर की शैतान उचक लेगा आपके बच्चों को, और आप तो खुद अपने बच्चों को हवाले कर रहे हैं। 8 साल का बच्चा 10 साल का बच्चा स्मार्टफोन लेके घूम रहा है, कंपटीशन में मटेरियलिज्म की दौड़ में कि चाचा ने दिलाया है तो मैं भी, चाचा के बेटे के पास मोबाइल है मेरे पास भी मोबाइल है, आपको मालूम है उस मोबाइल पर वो क्या देख रहा है। आप सिर्फ वेबसाइट जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं वो पढ़ लें, आप दाएँ बाएँ आप देख लें, एडवर्टीजमेंट जो चल रहे होते हैं फेसबुक पे और जो न्यूज़ वेबसाइट है, आपके बच्चे वो देख रहे हैं।
और आप जो है टैबलेट दिला के उसको वहाँ बिठा देती हैं। वहाँ क्या बिठाती हैं, आप एक सोफे पे बैठे हो, एक बिस्तर पे बैठे हो, आप इस कोने पे, बच्चा उस कोने पे। एक माँ ने बाकायदा फ़ोन करके कहा है कि मेरा बच्चा कुछ नहीं पढ़ता, स्कूल भी नहीं जाता, सोता रहता है, या फिर मैंने कहा या फिर कहना बस मोबाइल से खेलता रहता है, स्मार्टफोन। किसने दिलाया? नानी ने दिलाया, ज़िद कर रहा था। अब बच्चा किसी की नहीं सुनता, खुद बच्चा कहता है मैं क्या करूँ। मुझे एक नौजवान के बारे में पता चला कि नौजवान क्या, अब तो वो अधेड़ उम्र में दाखिल हो गए, 40 साल के हो गए, वो 10 साल से कोई जॉब नहीं कर रहे, फ़कत कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं सुबह से लेके रात तक। हमारे एक स्टूडेंट थे, जब नया नया इंटरनेट आया था, कितने घंटे वो इंटरनेट पे बैठता था, 14 घंटे। और आजकल आप देख लीजिए, 4 दोस्त बैठे होंगे, सब अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए होंगे। सिंगापुर में बकायदा एक ऐप इंट्रोड्यूस करवाया है सिंगापुर ने, कि जब 4-5 लोग बैठे हों तो वहाँ पे वो ऐप ऑन करें आप, तो सारे मोबाइल जैम हो जाएंगे। क्यों? ताकि लोग मोबाइल पे ना बात करें, एक दूसरे से बात करें। क्या होता है, जो इंसान बैठा हुआ है उससे बात नहीं कर रहे, जो मौजूद नहीं उससे बात कर रहे हैं। एक दोस्त जो बैठा हुआ था, जब देखा उसने कोई नहीं बात कर रहा, सब अपने मोबाइल पे लगे हुए, तो उठ के चला गया अपने घर, फिर वहाँ से SMS करना शुरू कर दिया, फिर लोग बात करने लगे। कहेंगे तुम उठ के क्यों चले गए? कहेंगे ये आजकल स्टाइल हो गया है कि जो मौजूद ना हो उससे बात करो। इसलिए मैंने कहा कि मैं तुम लोगों के सामने क्या बैठूँ, तुम अपने घर आ गया, अपने घर से तुमको मोबाइल पे SMS कर रहा हूँ। हद दर्जे बेवकूफ़ी है कि जो सामने बैठा हुआ है उससे बात नहीं कर रहे। खैर, ये बात मियाँ बीवी के लिए भी की जा सकती है, घर वालों के दरमियान भी की जा सकती है, कि घर वाले बैठे भी होते हैं और कोई TV पे लगा हुआ है, कोई मोबाइल पे लगा हुआ है। यकीन करें, इतनी बड़ी बीमारी है, इस पर इंशाल्लाह कभी अलग से एक दर्स हम लेंगे कि जो टैबलेट, मोबाइल, कंप्यूटर। तो सबसे पहले तो आप लोगों से गुजारिश है, जिन माओं ने टैबलेट दिए हुए अपने, खुदा रहा वो टैबलेट ले लें। स्मार्टफोन्स दिए हुए हैं, खुदा रहा वो स्मार्टफोन्स ले लें। एक वक्त मुकर्रर कर दें बच्चों के लिए, सर TV के लिए वक्त मुकर्रर होता है कि वो कभी भी नहीं देखेगा। स्मार्टफोन के लिए तो मसला ही नहीं है, आप चादर के अंदर से SMS वगैरह सब कुछ कर रहे होते। जी अम्मी, कुछ नहीं अम्मी, मैं तो बंद कर रहा था, वो तो देख रहा था मैं SMS आया किसका, कोई मसला ही नहीं है। आज स्मार्टफोन आपके हाथ में, लोगों के पास स्मार्टफोन है लेकिन खुद स्मार्ट नहीं है। होंडा सिविक है लेकिन सिविक सेंस नहीं है। तो साइंसी इजादात गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन खुद आप जिम्मेदार हैं बच्चों के हाथ में ये गैजेट्स देकर उनकी उम्र से पहले। इस हवाले से एक और बात जो हमने उलमा आलाम से सुनी और हमें बड़ी हैरत हुई कि कितनी बड़ी दूर की कौड़ी लेकर आए। कहने लगे कि जब इमाम ज़माना का ज़हूर होगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, इमाम का जब ज़हूर होगा तो हातिबे गैबी से निदाए आसमानी आएगी कि इमाम का ज़हूर हो चुका। आपको मालूम है कि उसके फ़ौरन बाद ऐलान होगा कि इमाम का ज़हूर नहीं हुआ बल्कि फ़लाँ जगह फ़लाँ वाक़िया हुआ है। फिर दोबारा ऐलान होगा, फिर दोबारा, फिर 4-5 कई ऐलानात होंगे। जो इमाम की नुसरत के लिए जाने वाले थे वो ठहर जाएंगे। भाई हमें आजकल शौक़ है ना ब्रेकिंग न्यूज़ देखने का, हर SMS को पढ़ने का, हर मिस कॉल को देख के सोचने का किसका होगा किसका होगा। अरे भाई, जब नाम फीड नहीं है दुहेल विद, क्या ज़रूरत आपको सोचने की आखिर में 03 आ रहा है, आखिर में 05 आ रहा है, किसका था किसका। अरे छोड़ दें भाई, अननोन नंबर क्यों दिमाग का। तो कहते हैं कि ये जो उलमा आलाम जो फ्यूचर पे नज़र रखे हुए, वो कहते हैं कि जो बाद की खबरें होंगी, बाद की निदाएं होंगी, वो सैटेलाइट TV और मोबाइल्स के ज़रिए आएंगी, ब्रेकिंग न्यूज़ होंगी, फ़लाँ जगह ये वाक़या हो गया, फ़लाँ जगह ये वाक़या हो गया, फ़लाँ ये हो गया, आप उस तरफ जाएँ, या फ़लाँ खबरों की अपडेट्स लें। क्या हुआ होगा ज़्यादा, वर्ल्ड कप, T20, ओलंपिक्स, किसी फिल्म किसी ड्रामे का शख्स आना, और लोग इमाम की खबर को भूल जाएंगे और उनकी तवज्जो इस तरफ हो जाएगी। जैसे आजकल हम नहीं करते, T20 वर्ल्ड कप ओलंपिक आ रहा है, चलो मजलिस में नहीं जाते यार, घर पे सुन लेंगे। नमाज मौखर करते हैं कि नहीं करते हम अपने मैचेस के लिए? तो बस उस वक्त भी यही होगा, यही मीडिया होगा जो आपको इमाम की नुसरत से रोकेगा। आप तो यही कहेंगे कि मैं तो समझा था कि नहीं हुआ या गलत न्यूज़ दी। आपको ये आदत किसने डलवाई? उलमा आलाम ने तो नहीं कहा था कि आप हर वक्त जो है वो अपने मोबाइल की हर बात पर यकीन कर लें, उलमा आलाम और मजालिस पर ना जाएं आप।
किताबें ना पढ़ें, दुरुस्त ना सुने, तो अगर आप अमर बिलमारूफ व नहीं अनिल मुनकर नहीं करेंगे तो ये मीडिया तो कर रहा है, करेगा नहीं, कर रहा है। मीडिया, ड्रामे, फिल्में, इंटरनेट आपकी, आपके बच्चों की तरबियत गैर महसूस तरीके पे कर रहे हैं, वो कर लेंगे। आखिर में एक बात कहना हम ज़रूरी समझेंगे, हुज्जतुल विदा, एक दुरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुज्जतुल विदा बिलाशुबा इस्लामी तालीमात का ख़ुलासा था, लेकिन उस वक्त तक जब तक ये तालीमात अरफात के मैदान में नाजिल हुई, उसके बाद एक अहम तरीन हुक्म रसूलुल्लाह को वसूल हुआ जिसके बारे में कहा गया कि तुम जो अभी कह के आए हो, बल्कि अब तक जो नबुवत का सफ़र तुमने तय किया है वो नामुकम्मल रह जाएगा अगर तुमने इस बात का ऐलान नहीं किया। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लगता रिसालता, ए रसूल वो पैगाम पहुंचा दो जो तुमको दिया गया है, वरना अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुमने गोया कारे रिसालत अंजाम ना दी। तुम अभी अभी जो खुतबा हुज्जतुल विदा देकर आए हो उस पर भी क्रॉस लग जाएगा, और जो नबुवत के लिए नबी की हैसियत में जो तुमने रिसालत कार अंजाम दिए उस पर भी क्रॉस लग जाएगा। और वो क्या पैगाम था, मन कुंत मौला हूँ फहाजा अली। और अगर ऐसा ना होता तो जिब्राइल फौरन ये आयत लेके ना नाजिल होते, अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदितु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल हो गया, तुम पे नेमतें तमाम हो गई और तुम दीन इस्लाम पर राजी हो गए। ए मेरे खुदा, मुझे इतना तो बतला कि ये आयत तूने खुतबा हुज्जतुल विदा के बाद क्यों नहीं नाजिल की, अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारा दिन मुकम्मल हो गया। इस आयत को विदहोल्ड करके क्यों रखा, इसलिए रखा कि अहम तरीन ऐलान होना था। अच्छा ए खुदा, मुझे ये भी बतला दे कि इस अहम ऐलान को अगर वहाँ कर देता तो कितना अच्छा होता, तो कितनी अहदीस, कितने खुतबे रसूलुल्लाह के मौजूद हैं जिनमें आखिरी आखिरी जुमलों को हज़्फ़ कर दिया गया फ़कत ये कह के कि रावी भूल गया, कि अगर ये ऐलान हुज्जतुल विदा के मौके पर खुतबा हुज्जतुल विदा पे कर दिया जाता तो लोग कहते कि इतना इतना तो हमने सुना, बाकी हिस्सा हम भूल गए। रसूल ने जब कहा था कि मेरे बाद 12 इमाम होंगे, तमाम के तमाम कुरैश की शाख बनी हाशिम से होंगे, तो लोग इस रिवायत को किस तरह मरवी करने लगे कि रसूल ने फरमाया कि मेरे बाद 12 इमाम होंगे और तमाम के तमाम कुरैश से होंगे। और जब इसी बुनियाद पर सकीफा में खिलाफत के लिए बैत ली गई और मौला अली को बताया गया कि इस बात पर बैत ली गई है, तो मौला ने कहा कि लोग दरख्त तक तो पहुंच गए, फल ना पा पाए, फल नहीं हासिल किया। तो जो लोग खुतबा हुज्जतुल विदा पे यकीन रखते हैं उनके लिए अर्ज़ है कि इस खुतबे का अहम तरीन हिस्सा खुतबा गदीर खुम है, कि जिसमें अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की तरफ से दिए गए पैगाम विलायत अली को लोगों के सामने पेश किया, और इसके बग़ैर दीन मुकम्मल नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें विलायत अली पर अमल करने की और उसको अपनाने की तौफीक अता फरमा, मज़हब अहले बैत की पैरवी करने की तौफीक अता फरमा, क़यामत में उनकी शफाअत से बहरमंद फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, और हमें उनके अंसार व आवान में शामिल फरमा। वाख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। أنت جل يا صاحب السماء.